हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आरआरबी 2024 यूथ कंपटीशन टाइम्स न्यू बुक से आज परसेंटेज प्रतिशतता का टाइप टू क्वेश्चंस नंबर 23 से क्वेश्चंस नंबर 58 तक इस वीडियो में हम पूरा करेंगे। टाइप टू में दिया गया है परीक्षा तथा छात्रों पर आधारित प्रश्न। तो देखिए क्वेश्चंस नंबर 23 नंबर, विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, फिर परीक्षा में 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी 46% अंक लाता है लेकिन 10 अंकों से वह फेल हो जाता है। यदि वह 52% अंक प्राप्त करता तो उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त होते। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने थे, यह आपसे पूछा, यानी पासिंग मार्क्स कितना है जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, यहाँ पर क्या करते हैं हम, उसको पास कराने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस में दिया है कि विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, 46% अंक विमल ने प्राप्त किया है और 10 अंकों से वह फेल हो जाता है। तो 10 अंक इसको हम दे देते हैं तो यह पास हो जाएगा। अब फिर आगे क्वेश्चंस में बोला है कि यदि वह 52% अंक प्राप्त करता, यहां लिख रहे हैं अगर वह 52% अंक प्राप्त करता तो आवश्यक न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त करता, मतलब 8 अंक 52% में से हम घटा देते हैं तो ये भी पासिंग मार्क्स, मतलब ये पास हो गया है। अब देखिए ये भी पासिंग मार्क्स, ये भी पासिंग मार्क्स, तो दोनों बराबर है। अब परसेंटेज वाले को एक तरफ और अंक वाले को दूसरी तरफ कर देंगे। तो यहां देखिए ये 52% है, राइट हैंड साइड 52% है और लेफ्ट हैंड साइड 46% है, तो लेफ्ट से राइट जाएगा प्लस 46%, तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में 46% हो जाएगा। उसी प्रकार से इधर पहले से ही प्लस में 10 है, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में 10 है और राइट हैंड साइड में माइनस 8 है, तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस 8 हो जाएगा, तो 10 प्लस 8 यानी कि 18 हो गया। और इधर 52% माइनस 46% तो ये 6% हो गया, तो 6% का वैल्यू 18 अंक हुआ, तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 1% का वैल्यू निकालना है तो 18/6 मतलब 3 अंक हुआ, या ऐसे भी कर सकते हैं दोनों तरफ 6 से भाग देंगे तो 6/6 मतलब 1 हो जाएगा, 18/6 मतलब 3 हो जाएगा, यानी कि 1% का वैल्यू कितना हो गया, 3 अंक हो गया। अगर आपसे परीक्षा का पूर्णांक पूछता तो 100% का वैल्यू हम निकाल देते, 100% का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1% का मतलब 3 अंक, तो 100% का मतलब 3×100 यानी कि 300 अंक हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाता, परीक्षा का पूर्णांक, यानी कि अगर आपसे पूर्णांक पूछता तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था, 300 अंक का था एग्जाम, यानी कि 300 अंक आपका परीक्षा का एग्जाम था। तो ये आपसे नहीं पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है पासिंग मार्क्स, क्वेश्चन में लैंग्वेज में लिखा है उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक कितने थे, यहां लिख देते हैं न्यूनतम आवश्यक अंक, न्यूनतम आवश्यक अंक पास होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक, इसी को उत्तीर्णांक भी हम बोल सकते हैं शॉर्टकट में। उत्तीर्णांक आपसे पूछा है कि क्या होगा, तो ये कैसे निकालेंगे, आपसे परसेंटेज में नहीं अंक में पूछा है कि उत्तीर्णांक कितना होगा, ऑप्शंस दिया है आपका अंक में। तो यहां पर देखिए ये आपका पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है, तो यहां पर देखिए 1% का वैल्यू 3 अंक हमने निकाल दिया है, तो यहां पर 46% है तो 46% को आप अंक में बदल दीजिए या 52% को आप अंक में बदल दीजिए, दोनों तरफ से आप आंसर निकाल सकते हैं, सेम आंसर आएगा। तो यहां पर दोनों तरह से हम आपको बता देते हैं, देखिए अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे तो क्या है, पासिंग मार्क्स आपसे पूछा है यानी कि 46% और प्लस 10 अंक है, तो यहां पर 46% का मतलब कितना अंक हुआ, तो 1% का मतलब 3 अंक, तो 46% का मतलब 46×3 हो जाएगा, 46×3 इतना अंक होगा और प्लस 10 अंक, तो 46 कितना होता है, 40×20 = 6×18 = 120, 18×138 और ये 10 यानी कि 148 आपका आंसर आना चाहिए। 46 पहले लिख देते हैं 138 और ये प्लस 10 यानी कि 148, तो ये कितना हो गया 148, तो 148 कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। या आप चाहे तो राइट हैंड साइड से भी निकाल सकते हैं, क्या है 52% - 8 है, 52% - 8 है, तो 1% का मतलब 3 अंक, तो 52% का मतलब 52×3 इतना अंक हो जाएगा -8 अंक, 52 कितना होता है, 50 × 150, 2×3 = 6, 156 अंक में से 8 अंक घटा देंगे तो 148 अंक बचेगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया है।
तो इस तरह से आप तुरंत बना सकते हैं, बहुत ही इजी है। अब यहां पर ये आपसे जो पूछा है, ये तो अंक में पूछा था पासिंग मार्क्स, पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितना है, तो 148 अंक आपका आंसर हो गया। यही आपसे परसेंटेज में भी पूछ सकता है, तो परसेंटेज में पूछेगा तो क्या करेंगे, ये 10 अंक है इसको आप परसेंट में कर दीजिएगा, या यहाँ 8 अंक है इसको परसेंट में कर दीजिएगा। तो ये भी कभी कभी पूछ सकता है कि 148 अंक है जो कितना परसेंट है, या ऐसे भी निकाल सकते हैं 148 अंक ये टोटल 300 का कितना परसेंट है, तो क्या करेंगे 148 बटे 300, क्योंकि परीक्षा का पूर्णांक 300 का है, तो 148 बटे 300 गुना 100 हो जाएगा, यानी कि 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 148 बटा 3 ये कैंसिल तो नहीं होता है, तो सोल्व कीजिएगा उतना आपका आंसर आ जाएगा। या इसी को हम लिख देते हैं कि अगर ये परसेंटेज में पूछता 148 अंक कितना परसेंट हुआ, तो क्या हो जाएगा 148 बटे 300 करेंगे और गुना 100, मतलब इतना आपका ये परसेंट में हो जाएगा, और 00 यहां से ये कैंसिल कर सकते हैं, मतलब कितना हो जाएगा, तो 3 चौके 12, 2 और 8 यानी कि 3 नंबर 27, 49 पूर्णांक 1/3% हो जाएगा। 148 अंक हुआ आपका पासिंग मार्क्स, पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक, और यही परसेंटेज में हुआ 49 पूर्णांक 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 नंबर, एक परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांकों के 90% के बराबर थे, जबकि अनीता के प्राप्तांक विनीता के प्राप्तांकों के 110% के बराबर थे। यदि परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक 198 थे तो विनीता के प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को आप तुरंत कैसे बनाएंगे, तो पहला कंडीशन क्या दिया है, सुनीता के प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांकों के 90% के बराबर थे। यहां हम ये लाइन लिख देते हैं कि सुनीता के जो प्राप्तांक थे, सुनीता के प्राप्तांक थे ये किसके बराबर है, तो क्वेश्चन में बोला है कि अनीता के प्राप्तांक के 90% के बराबर था, यानी कि अनीता का जितना प्राप्तांक था उसका 90% के बराबर था, ये क्वेश्चन में ऐसा बोला है। फिर आगे क्या कंडीशन दिया है, जबकि अनीता के प्राप्तांक विनीता के प्राप्तांकों के 110% के बराबर था, यहां लिखते हैं अब की बार बोला है अनीता के प्राप्तांक, यानी कि यहां लिख रहे हैं अनीता का जो प्राप्तांक था ये किसके बराबर था, तो अनीता के प्राप्तांक विनीता के प्राप्तांक के 110% के बराबर था, विनीता के जितना प्राप्तांक था उसका 110% के बराबर था, विनीता का 110% के बराबर अनीता का प्राप्तांक था। अब क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है, यदि परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक 198 थे, सुनीता का प्राप्तांक कितना 198 थे, यहां दे दिया है सुनीता का प्राप्तांक कितना 198 थे, तो यहां अनीता का प्राप्तांक हम निकाल सकते हैं कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, यहां पर अनीता लिख देते हैं का मतलब गुना 90% यानी कि 90/100। अब इसको सोल्व कर देते हैं तो 10 से 10 कैंसिल होगा और यहाँ पर 1 नंबर 9 और इसको 9 से हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 22 नंबर 198 होता है। अब देखिए 22 गुना 10 करेंगे तो 220 हो जाएगा, अनीता का जो प्राप्तांक था वो कितना निकल कर आ गया, तो 22 गुना 10 यानी कि ये 22 और गुना 10 करेंगे तो 220 हो गया ना। अब यहाँ पर अनीता का प्राप्तांक यहाँ पर हम 220 यहाँ पर हम रख देते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से विनीता का प्राप्तांक हम निकाल सकते हैं का मतलब गुना 110% यानी कि 110/100 करेंगे, 110 से कम 110, 110 दूनी 220, तो ये 2 गुना 100 करेंगे यानी कि 200, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो विनीता है इसका प्राप्तांक 200 था, तो ये 200 कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 24, विनीता के प्राप्तांक 200 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना 25 नंबर, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, दो छात्रों ने एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उनके अंकों के योगफल के 80% के बराबर है, उनमें से प्रत्येक द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आपको थोड़ा बेसिक से करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, रेशियो प्रॉपर्टी से रेशियो के मेथड से बनाएंगे तो आप नहीं भी समझ पाएंगे, लेकिन हमें आपको समझाना है तो रेशियो मेथड से ज्यादा अच्छा यहां पर है
कि बेसिक से ही बना लीजिए, तुरंत बन जाता है इजली। ऐसा ही क्वेश्चंस आगे और भी आने वाला है, तो आपको ये क्वेश्चंस समझ में आना ही चाहिए। तो क्वेश्चंस का फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है, दो छात्रों ने एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किया। मतलब पहला छात्र ने दूसरे छात्र से 15 अंक ज्यादा प्राप्त किया। तो सबसे पहले हम यहां पर मान लेंगे कि दूसरा जो छात्र है, उसने x अंक प्राप्त किया है, ये हमने अपने मन से माना है। दूसरा जो छात्र है उसने x अंक प्राप्त किया है, और पहला जो छात्र है वो कितना अंक प्राप्त करेगा। तो क्वेश्चंस में बोला है कि एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए, मतलब दूसरा x अंक प्राप्त करता है तो पहला 15 अंक ज्यादा प्राप्त करता है, यानी कि x प्लस 15 अंक पहला विद्यार्थी ने, पहला छात्र ने प्राप्त किया। अब आगे क्वेश्चंस में बोला है, क्या बोला है क्वेश्चंस में, उसके अंक उनके अंकों के योगफल के 80% के बराबर है। उसके अंक कहने का मतलब क्या हुआ, जो पहला आपका छात्र है इसका अंक है, जो दोनों के जो अंकों का योगफल है उसका 80% के बराबर है। तो यहां पर देखिए, ये पहला जो आपका छात्र है इसका अंक कितना है, x प्लस 15। तो यहां पर लिख देते हैं ये x प्लस 15 किसके बराबर है, तो यहां अंकों का योगफल ये दोनों का करेंगे, मतलब ये x और ये x प्लस 15, तो x प्लस 15 इसका कितना परसेंट, तो 80%, मतलब इसका 80% के बराबर है। अब इसको सोल्व कर दीजिए, तो यहां पर का मतलब गुना ही हम लिख देते हैं, और 80% का मतलब 80/100 भी लिख देते हैं, और इसके बाद यहां कैंसिल कर देंगे तो 20 चौके 80, 20 पच्चीस 100 हो जाएगा, और ये 5 इधर गुना में हो जाएगा, तो 5x प्लस 15 पच्चीस 75 हो जाएगा, और ये x प्लस x, तो 2x 2x गुना 4, तो 8x, फिर प्लस 15 चौके 60, और यहां देखिए ये 8x है, ये 5x है, इधर जाएगा 5x, तो 3x, यानी कि 3x बराबर क्या हो जाएगा, 60 इधर आएगा, तो 75 में से 60 घटा देंगे यानी कि 15, तो 3x बराबर 15, यानी कि x का मान कितना हो गया, 5। x का मान हमने निकाल दिया, कितना हो गया है 5, तो x का मान यहां पर रख देते हैं, मतलब दूसरा छात्र ने 5 अंक प्राप्त किया था, तो पहला छात्र कितना, यानी कि इससे 15 ज्यादा, यानी कि 5 प्लस 15, डेट मीन्स हम बोलेंगे कि 20 अंक पहला छात्र ने और 5 अंक दूसरा छात्र ने प्राप्त किया। तो ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस पहला ही ऑप्शंस दिया है, ए नंबर में ऑप्शंस में दिया है 5 और 20, यानी कि 20 अंक पहला छात्र और 5 अंक दूसरा छात्र ने प्राप्त किया है, तो ऑप्शंस नंबर ए इस क्वेश्चंस का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे ही तुरंत बना सकते हैं, आपको समझ में भी आएगा, रेशियो से बनाएंगे तो शायद आप नहीं समझ पाएंगे, हमें ऐसा लग रहा है, इस कारण से हमने इसी अप्रोच से आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चंस नंबर देखिए, 26 नंबर, एक विद्यार्थी को टर्म 1 में 80/80 अंक प्राप्त हुए और टर्म 2 में 75/90 अंक प्राप्त हुए, यदि दोनों टर्म के लिए दिए गए भारांक 40% और 60% है तो उसके अंतिम प्राप्तांकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित, यानी कि आपको लगभग में आंसर देना है। तो देखिए यहां पर दो टर्म है, पहला जो टर्म है उसमें 80/80 अंक प्राप्त किया, 80/80 अंक प्राप्त करता है पहला टर्म में, और उसी प्रकार से दूसरा टर्म है जिसमें वह 75/90 प्राप्त करता है। दैट मीन्स अब इसको पढ़ने आना चाहिए आपको कि पहला जो टर्म है इसमें 80 अंक में से 80 अंक लाया, ये नीचे में जो रहता है यही आपका क्या रहता है, पूर्णांक रहता है, यानी कि ये आपका 80 अंक पूर्णांक है, और ये 80 में से 80 लाया है, और ये ऊपर वाला जो आपका है ये क्या हुआ, प्राप्तांक हुआ, ये हम लिख देते हैं। उसी प्रकार से यहां पर ये 75/90 है दूसरा टर्म, मतलब यहां भी ये 75 आपका क्या है, 75 आपका प्राप्तांक है, मतलब 75 अंक प्राप्त किया है, कितना में से, तो 90 में से, यानी कि पूर्णांक कितना है दूसरे टर्म का, तो ये आपका 90 अंक का पूर्णांक है। तो आपसे ओवरऑल पूछा है कि क्या होगा परसेंटेज प्राप्तांक का, यानी कि ये कैसे निकालेंगे, तो देखिए ओवरऑल परसेंटेज, तो यहां पर उसने कितना अंक प्राप्त किया है दोनों टर्म में, तो ये 80 अंक और ये 75 अंक, यानी कि 80 प्लस 75, जितना अंक प्राप्त किया है उसको हम अंश में लिखते हैं, और टोटल यानी कि जो पूर्णांक होता है उसको नीचे में लिखेंगे, तो पूर्णांक 80 का था
टर्म वन में और टर्म टू में यानी कि दूसरा टर्म में 90 का पूर्णांक था, तो 80 प्लस 90 या 90 प्लस 80 करेंगे ना, और फिर इसको हम 100 से गुना करेंगे, मतलब ये आपका ओवरऑल परसेंटेज में हो जाएगा प्राप्तांक का परसेंटेज। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 80 प्लस 75 कितना होगा, 75 दूनी 150 और 5 और यानी कि 155 और बटे 80 प्लस 90 यानी कि 170 और ये गुना 100। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा तो ये 1550 बटे 17 तो भाग लगावेंगे तो 17 नमा 53 से फिर 155 में से 153 घटावेंगे दो बचेगा यानी कि 2 और 0 यानी कि 20 फिर 17 एकम 17 फिर शेषफल 3 बचेगा तो पॉइंट देंगे यानी कि अब 30 हो गया तो फिर 17 एकम 17 30 में से 17 घटावेंगे तो 13 बचेगा पॉइंट दे दिए हैं तो 13 पर एक जीरो यानी कि 130 हो जाएगा यानी कि फिर 17 से यानी कि लगभग में 91.17% आ रहा है। लेकिन ऑप्शंस के अनुसार देखेंगे तो ऑप्शंस क्या क्या दिया है 70% 90% 85% 95% तो यहां पर आपका ये 91.17% किसके करीब है तो 95% तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो जाता है तो 90% ये लगभग में आपका इसके करीब पहुंचेगा यानी कि 90% आपका लगभग में आंसर होगा, मतलब इससे थोड़ा कम ही क्योंकि ऑप्शंस के अनुसार चलेंगे तो एग्जैक्ट आंसर आपका ये हो रहा है लेकिन ऑप्शंस के अनुसार आपका ये दिया है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कितना बी में दिया है 90% दिया है तो 91% के थोड़ा पहले 90% आता है मतलब ये आपका आंसर होगा ऑप्शंस के अनुसार तो ऑप्शंस नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस नंबर 27 नंबर, एक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त औसत अंक 70 थे, लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक से 20% अधिक है, यदि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है तो लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहां देखिए बी फॉर बॉयज और जी फॉर गर्ल्स आपको समझना है तो इसका रेशियो दिया है मतलब लड़के की संख्या और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो कितना है तो 3:2 है। ये क्वेश्चंस में बोला है कि लड़के की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। अब यहाँ पर औसत का भी हम अनुपात निकाल करके लिख ही देते हैं। क्वेश्चंस में बोला है कि लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक कॉमा लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक से 20% अधिक है। इधर देखिए हम थोड़ा रफ कर रहे हैं, ध्यान से आपको समझना है, यानी कि इधर हम लिख देते हैं लड़का यानी कि बी फॉर बॉयज यानी कि लड़का और लड़की यानी कि जी फॉर गर्ल्स यानी कि लड़की। तो लड़की का अगर जो औसत अंक हम 100% मानते हैं, यहां पर हम क्या लिख रहे हैं औसत, क्वेश्चंस में जो दिया है उसका हम यूज कर रहे हैं औसत अंक। तो देखिए कैसे निकालते हैं, ये 100% हमने अपने मन से माना, क्यों लड़की का मानेंगे औसत अंक 100%, तो क्वेश्चंस में बोला है कि लड़के द्वारा प्राप्त औसत अंक लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक से 20% अधिक है तो लड़की का ही मानना होगा औसत अंक। मान लिया कि लड़की का औसत अंक 100% है तो लड़का का 20% अधिक है मतलब ये लड़का का औसत अंक 120% हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे, परसेंट से परसेंट कैंसिल होगा, 20 25 100 20 6 20 से यानी कि 6:5 हो गया औसत अंक, तो यहाँ पर 6:5 हम लिख देंगे। यहाँ देखिये टोटल आपका कितना हो रहा है बॉयज प्लस गर्ल्स यानी कि हम बोल सकते हैं कि कुल विद्यार्थी कितना हो रहा है रेशियो में 3:2 5। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 3 लड़का है जिसका एवरेज कितना है 6, 2 लड़की है जिसका एवरेज कितना है 5, तो टोटल 5 स्टूडेंट है तो उसका एवरेज सबसे पहले निकाल देते हैं। तो कैसे निकालते हैं टोटल का एवरेज, तो ये 6 × 3 = 18 प्लस 2 × 5 = 10, टोटल कितना है 5 यानी कि 18 + 10 यहां लिखी देते हैं हम, ये 6 × 3 = 18 प्लस 2 × 5 = 10 और बटे टोटल कितना 5 विद्यार्थी है तो ये 28/5 हो गया। अब ये 28/5 है ये आपका कुल एवरेज मतलब कुल औसत अंक हो गया। क्वेश्चंस का फर्स्ट लाइन दिया है एक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त औसत अंक 70 थे, गणित में प्राप्त औसत अंक 70 थे, औसत आपका 70 था तो हम निकाल सकते हैं यहां देखिए टोटल कितना 5 विद्यार्थी है तो 5 का यानी कि कितना हो जाएगा 70 × 5 यानी कि योगफल बराबर औसत गुना संख्या होता है ना, तो क्वेश्चंस में दिया है कि औसत अंक कितना 70 था तो हम बोल सकते हैं कि औसत अंक 70 था तो यहां पर टोटल
पांच विद्यार्थी है तो 70/5 कितना 350 हो जाएगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 28/5 का वैल्यू 350 है। इस तरह से लिख देते हैं 28/5 का वैल्यू कितना है 350 है। ये 350 कैसे लाए हैं तो 70 × 5 हमने किया है, 70 × 5 किए हैं तो ये आपका 350 हो गया है। तो एक का वैल्यू निकाल देंगे यानी कि ये 350 है, कितना है 350। अब 350 कितना हो जाएगा 28/5, यानी कि यहाँ पर 28 और 5 यहाँ चलाएगा, इसको सोल्व कर देंगे तो क्या होगा 7 से कैंसिल करते हैं 7 × 28 और ये 7/5 35 फिर 2 × 2 = 4 25 × 2 = 50 25 × 5 125/2 यानी कि 62.5। तो ये 62.5 कौन सा ऑप्शन है, 62.5 ऑप्शन नंबर दिया गया है बी में, तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 नंबर। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है, 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है, कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। तो कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे, देखिए ऐसा क्वेश्चन और आगे भी आने वाला है। तो देखिए सबसे पहले दिया है लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दिया है वो 5:6 है, यानी कि 5:6 है। तो यहाँ पर लिख देते हैं ये आपका संख्या का अनुपात है, लड़के और लड़की का संख्या का अनुपात 5:6 है। यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है, यानी कि बॉयज प्लस गर्ल्स टोटल आपका विद्यार्थी कितना है, तो 5 + 6 यानी कि 11। इसको हम क्या करें कि सिंपल हम इसको इजी करने के लिए अपने मन से 100 से गुना कर देते हैं, यानी कि ये 100 से जब गुना करेंगे तो सभी में 100 से गुना करना होगा। यानी कि हम मान लेते हैं कि 500 लड़का था 600 लड़की थी, तो टोटल आपका 1100 विद्यार्थी हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है, यानी कि 20% लड़के छात्रवृत्ति धारक है। आपसे पूछा है क्या कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो देखिए 20% लड़का को छात्रवृत्ति मिलता है तो 80% लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है, यानी कि टोटल 500 लड़का है तो 500 का 80% निकाल देंगे तो 500 का 80% कितना हो जाता है, तो यहाँ देखिए परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल होता है तो 80/5 कितना होगा 400, मतलब 500 में से 400 विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। 500 जो टोटल आपका लड़का है जिसमें से 400 को आपका छात्रवृत्ति नहीं मिलता है और 100 लड़का को छात्रवृत्ति मिलता है, ये हम बोल सकते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन में फिर बोला है कि 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है, तो 25% लड़की को छात्रवृत्ति मिलती है तो 75% लड़कियां को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो टोटल लड़की कितना 600 है, तो 600 का 75% हम निकाल देंगे तो 600 का 75% कितना होगा, तो यहां पर आप तुरंत निकाल सकते हैं परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और यहां 75 × 6 करेंगे तो 6 × 5 = 30 का 0 बाकी 3 × 6 = 42 और 3 × 45 यानी कि 450। तो हम क्या बोलेंगे कि टोटल 600 लड़की में से 450 लड़की को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो 600 में से 450 घटा देंगे तो 150 बचेगा, यानी 150 लड़की को छात्रवृत्ति मिल रही है, ये भी हम बोल सकते हैं। अब आपसे पूछा है क्वेश्चन में क्या कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो यहां पर देखिए 400 लड़का को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है और 450 लड़की को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे यानी कि 400 + 450 ये आपका टोटल हो गया विद्यार्थी जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिलता है, और टोटल को हम नीचे में लिखेंगे जितना टोटल विद्यार्थी था, यानी कि 500 लड़का 600 लड़की तो टोटल आपका 1100 था, तो 1100 को हम नीचे में लिखेंगे और इसको सबसे गुना करेंगे तभी ये परसेंटेज में कन्वर्ट होगा। सभी लोग जानते हैं भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सबसे गुना किया जाता है, मतलब छात्रवृत्ति नहीं जिसको मिलेंगे, छात्रवृत्ति नहीं यहाँ पर लिख देते हैं छात्रवृत्ति नहीं का ये हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अब इसको सिर्फ सोल्व करने रहा, यानी कि सिर्फ आपको सोल्व कर देना है आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले ये 450 और 400 850 हो गया ना, तो 850 / 1100 × 100 अब इसको और सोल्व करेंगे
तो ये 00 से 00 हम कैंसिल कर सकते हैं, तो 850 बटे 11% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर दिया गया है बी में 850 बटे 11%, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए 29 नंबर, एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए और उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया, अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 592 है, कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। तो देखिए कुल 100% होता है अपने आप में, मतलब कुल छात्रों की संख्या 100%, आप मन ही मन सोचिए, यानी कुल छात्रों की संख्या 100% हमने मान लिया, 100% छात्र में से 82% उत्तीर्ण हो गया, 2% छात्र को और परीक्षा की श्रेणी में रखा गया, तो 82% और 2% यानी कि 84% आपको टोटल 100% में से घटा देना है, तो 16% जो बचा वो आपका अनुत्तीर्ण है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 592 है, तो 16% का वैल्यू 592 हुआ, तो 1% का वैल्यू 592/16 होगा, कुल छात्रों की संख्या निकालना है यानी कि 100% का वैल्यू निकालना है, तो 1% का वैल्यू 592/16, तो 100% का वैल्यू 592/16 × 100 हो जाएगा, तो तुरंत हम ऐसे ही बनाएंगे, यानी कि डायरेक्ट हम लिख देते हैं 592/16 × 100। अब इसको सोल्व कर देते हैं, तो कैंसिल करेंगे, देखिए 48 59 में से 48 घटाइएगा तो 11 बचेगा, 11 और 2 मतलब 112 हो गया, तो 67 परिवर्तन से मतलब 16 × 7 करेंगे तो 112 होगा, 37 × 100 यानी कि 3700, कुल छात्रों की संख्या 3700, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। ये तो हुआ आपका डायरेक्ट यानी कि मेथड फर्स्ट, हम यहाँ पर आपको इसका डिटेल भी बता देते हैं कि ये कैसे हमने किया है, जो मेथड सेकेंड के रूप में इसी का हम थोड़ा सा बेसिक फॉर्मेट में करके बता देना चाहते हैं, अगर किन्हीं को नहीं समझ में आया है कि ये कैसे हमने किया है, तो देखिए कुल छात्रों की संख्या सबसे पहले हम क्या मान लेंगे कि कुल कितना है, 100% छात्र है, ये आप जानते हैं कि टोटल जो होता है अपने आप में 100% होता है, तो यही 100% का वैल्यू क्या होगा जो आपसे पूछा है, और यहाँ पर 82% दिया है कि उत्तीर्ण हो जाता है, 2% को और परीक्षा की श्रेणी में रखा जाता है, तो अनुत्तीर्ण का परसेंटेज हम निकाल देंगे, तो कैसे अनुत्तीर्ण का परसेंटेज निकालेंगे, तो कुल 100% छात्र था जिसमें से 82% उत्तीर्ण हो गया, तो सबसे पहले 100% में से 82% हम घटा देंगे, उसके बाद 2% छात्र को और परीक्षा की श्रेणी में रखा गया, तो 2% हमें और घटाना होगा, तो यहाँ पर 82% और 2% यानी कि 84% हमें 100% में से घटाना है, तो 100% − 84%, तो ये आपका 16% बचा, यानी कि 16% जो आपका छात्र है वो अनुत्तीर्ण है। क्वेश्चन में दिया है कि 592 छात्र है जो अनुत्तीर्ण है, यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 592 है, यहाँ पर 16% है, तो यही 16% का वैल्यू कितना है, 592 है, तो 1% का वैल्यू कितना, 592/16 होगा, और 100% का वैल्यू निकालना है, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 592/16 × 100, तो इसी को हमने शॉर्टकट में यहाँ पर ये लिखा था, तो एग्जामिनेशन हॉल में डायरेक्ट आपको इतना ही करना है, हमें समझाना था तो एक एक स्टेप पर किस तरह से आपको बताएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने चाहिए, उसे 120 अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप यहाँ क्वेश्चन के अनुसार ये समझ गए होंगे कि परीक्षा पास करने के लिए न्यूनतम अंक परसेंटेज में 40% दिया है, कि 40% अंक लाएगा तो वह पास हो जाएगा, तो 40% अंक पासिंग मार्क्स है, ये क्वेश्चन में दिया है कि टोनी को पास होने के लिए न्यूनतम 40% अंक चाहिए, तो 40% आपका पासिंग मार्क्स हुआ। अब क्वेश्चन ने बोला है कि टोनी ने 120 अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से वह अनुत्तीर्ण हुआ, मतलब 30 अंकों से वह फेल हो गया, तो देखिए टोनी ने 120 अंक प्राप्त किया है और 30 अंक से वह अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 30 अंक से वह फेल हो गया, तो 30 अंक उसको हम दे देते हैं तो वह पास हो जाएगा, मतलब 120 अंक टोनी ने प्राप्त किया, 30 अंक से वह फेल हो गया, तो 30 अंक उसको हम दे देंगे तो वह पास हो जाएगा, मतलब 120 अंक और ये 30 अंक, तो ये टोटल आपका पास हो रहा है, मतलब दोनों को जोड़ेंगे मतलब 150 अंक में वह पास हो रहा है, और ये 40% है जो ये 150 अंक के बराबर होगा, तो यहाँ पर लिख सकते इस तरह से कि 40% का वैल्यू कितना, 150 अंक हो गया, तो 1% का
वैल्यू कितना होगा 150/40 और परीक्षा का जो पूर्णांक होता है वो पूर्णांक अपने आप में 100% होते हैं यानी कि 100%। तो 100% का वैल्यू क्या होगा 150/40 × 100। अब इसको सोल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, यहां पर सबसे पहले एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे, ये 25 × 100 15 × 25 कर देंगे तो 15 × 5 = 75 + 5 = 7 15 × 30 = 37 यानी कि 375 अंक का आपका क्या था परीक्षा था यानी कि परीक्षा का पूर्णांक 375 अंक हो गया। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 30, तो ये क्वेश्चन नंबर 30 का 375 अंक ऑप्शन नंबर दिया गया है डी में, तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अगर इसको और भी जल्दी हम बनाना चाहते तो कैसे बनाते, देखिए इसको तुरंत हम कैसे बनाते तो वही काम करते, ये मन ही मन हम करते, यानी कि 40% तो पासिंग मार्क्स है, 120 अंक उसने लाया, 30 अंक से वह अनुत्तीर्ण हुआ मतलब 30 अंक से फेल हो गया, तो 120 अंक में हम 30 अंक जोड़ देंगे तो वह पास हो जाएगा, मतलब 120 अंक उसने प्राप्त किया, 30 अंक से फेल हो गया तो 30 अंक उसको दे दीजिए तो उसके पास 150 अंक हो गया, तो 120 + 30 यानी कि 150 अंक है जो 40% अंक के बराबर है, तो 40% का वैल्यू 150, तो 1% का वैल्यू 150/40, तो परीक्षा का पूर्णांक 100% होता है, तो 100% का वैल्यू 150/40 × 100 होगा, तो डायरेक्ट हम इतना ही करते कि 150/40 × 100 करते, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये 375 आ जाएगा, तो इस तरह से ये आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाता। शॉर्टकट में हम सिर्फ इतना ही करते लेकिन हमें समझाना था तो एक एक स्टेप करके बताया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, क्वेश्चन नंबर देखिए 31 नंबर, रवि और राजेश ने एमटेक प्रोग्राम में प्रवेश लेने के लिए एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले और उसके प्राप्तांक उनके प्राप्तांकों के योग के 52% के बराबर थे, रवि और राजेश को क्रमशः कितने अंक मिले। ऐसा ही क्वेश्चन हमने इसी वीडियो में कराया है, वो क्वेश्चन नंबर कितना था तो आपको बता देना चाहते हैं कि वो आपका क्वेश्चन नंबर था 25 नंबर, हमने बोला था उस समय 25 नंबर जब बता रहे थे कि ऐसा ही क्वेश्चन आगे आएगा, तो आगे आ चुका है, मतलब अभी जो बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर ये कितना है तो 31, और ऑलरेडी इसी वेराइटी का 25 नंबर हमने बता दिया है, तो अगर 25 नंबर आप सीख चुके हैं बनाना तो ये 31 नंबर भी आप बना सकते हैं, वीडियो को पॉज करके वीडियो को रोक करके आप बनाने की कोशिश जरूर कीजिए। तो देखिए अब हम बताते हैं, अगर आपसे नहीं बना है तो इसका सोल्यूशन जरूर देखिए, क्वेश्चंस पढ़ते हैं, क्वेश्चंस नंबर है कितना 31, रवि और राजेश ने एमटेक प्रोग्राम में प्रवेश लेने के लिए एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले, रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले, तो राजेश को मान लेते हैं कि एक अंक मिला है, राजेश को एक अंक मिला है तो रवि को उससे 8 अंक ज्यादा मिला है मतलब x + 8 अंक मिला है, तो इस तरह से हम यहां मान लेंगे, यहां हम मान लेते हैं कि राजेश को कितना अंक मिला है x अंक मिला है, राजेश को कितना अंक मिला है x अंक मिला है, ये हमने अपने मन से माना है, तो रवि को कितना अंक मिलेगा, तो क्वेश्चन में बोला है कि राजेश से यानी कि 8 अंक ज्यादा रवि को मिल रहा है, यानी कि राजेश को हमने माना कि x अंक मिलता है तो रवि को इससे 8 ज्यादा यानी कि x + 8 अंक मिलेगा, ये इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए सबसे पहले। अब क्वेश्चंस में आगे क्या बोला है, क्वेश्चंस में लैंग्वेज लिखा है कि उसके प्राप्तांक, उसके प्राप्तांक कहने का मतलब रवि का प्राप्तांक, तो यहां पर रवि का प्राप्तांक सबसे पहले लिखेंगे यानी कि x + 8 ये किसके बराबर है, तो क्वेश्चंस में बोला है कि उनके प्राप्तांकों के योग के 52% के बराबर थे, उनके प्राप्तांकों का योग मतलब ये दोनों का योग यानी कि ये x और ये x + 8 का योग करना है, तो x + 8 और इसका 52% मतलब इतना गुना 52/100 करेंगे तो कैंसिल होता है, तो कैंसिल कर देंगे 13 × 52 25 × 100 और ये 25 × x तो 25x प्लस 25 × 8 तो 25 × 200 और बराबर x + x 2x 2x × 13 तो 13 × 26 होगा प्लस 13 × 8 तो 13 × 74। अब देखिए ये 26x है और इधर 25x है, इधर आएगा तो 26x - 25x यानी कि लिख देते हैं 26x - 25x और इधर पहले से कितना है 200 प्लस 104 इधर आएगा तो माइनस में 104 हो जाएगा ना, यानी कि x का मान कितना हो गया तो 96, x का मान 96 हुआ,
तो यहाँ पर राजेश ने 96 अंक लाया, तो रवि को कितना अंक मिला होगा, यानी कि इससे 8 ज्यादा, तो 96 + 8 यानी कि 104 अंक किसको मिला, रवि को। तो राजेश को 96 अंक, तो रवि को 104 अंक मिला। तो ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 31 का देखते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है 104.96, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना, 32 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 32 नंबर, एक परीक्षा में 45% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं और 79,750 उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, मतलब अनुत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि 79,750 फेल हो गए हैं। परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी, तो टोटल जो छात्र होता है कुल छात्रों की संख्या, परीक्षा में भाग लेने वाले कुल छात्रों की संख्या अपने आप में 100% होती है, तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या 100% है, ये आप मान लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन में दिया है कि 45% उत्तीर्ण हुआ है, तो कुल 100% में से 45% जो उत्तीर्ण हुआ है उसको घटा देंगे, मतलब 55% जो रहा वो आपका उत्तीर्ण नहीं हुआ है, यानी कि फेल हो गया है, अनुत्तीर्ण हो गया है 55%। तो 55% का वैल्यू दिया है 79,750, तो 1% का वैल्यू 79,750 बटे 55 हो जाएगा। परीक्षा में भाग लेने वाले कुल छात्रों की संख्या यानी कि 100% का वैल्यू पूछा है, तो 100% का वैल्यू क्या होगा, 1% का वैल्यू 79,750 बटे 55 हुआ, तो 100% का वैल्यू 79,750 बटे 55 गुना 100 हो जाएगा। तो इतना डायरेक्ट हम लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, तो 79,750 बटे 55 गुने 100, ये परीक्षा में भाग लेने वाले कुल छात्रों की संख्या हो गई, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब इसको सोल्व कीजिए, तो 11 × 55 20 × 100, और ये 11 से कैंसिल होता है या नहीं चेक कर लेंगे पहले। तो यहां देखिए, सम स्थानों का योगफल और विषम स्थानों का योगफल का अंतर या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, तभी वो 11 से कटती है। तो पहले देखिए, यहां पर सम स्थानों का योगफल करते हैं तो 9 + 5 = 14 हो रहा है, विषम स्थानों का योगफल करेंगे तो 7 + 14 + 0 यानी कि 14, 14 14 का डिफरेंस 0 का होता है ना, यानी कि 11 से कट जाएगी। तो 11 × 11 और ये 11 से काटेंगे, यानी कि 11 × 7 = 77, 2 × 7 यानी कि 11 × 2 = 22, 5 × 5 11 × 5 = 55 और ये 0। अब 7,250 गुना 20 करेंगे, तो 1 और 2 ये डबल 0 पहले दे देते हैं, उसके बाद यहां पर आप 725 दूनी करके यहां पर लिख सकते हैं, 725 गुना 2 तो कितना हो जाएगा, गुना कर दीजिए तो यहां पर कितना हो जाएगा, तो 1450 हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1450। तो ये कितना हो गया, 1,45,000, कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 32 का देखते हैं, ऑप्शन नंबर ये डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अगर इसको डिटेल से बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे, देखिए ये हुआ मेथड फर्स्ट, डायरेक्ट इस तरह से बनाएंगे, यानी कि इसको हमने डायरेक्ट बना दिया। अब डिटेल से कैसे बनाएंगे, तो मेथड सेकेंड के रूप में, यानी कि इसको हम बेसिक से भी आपको बता देते हैं। कुल परीक्षा में भाग लेने वाले जो छात्रों की संख्या है वो कितना है, 100% है। उत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्वेश्चन में दिया है वो कितना है, 45% है। तो अनुत्तीर्ण यानी कि उत्तीर्ण नहीं, जो उत्तीर्ण नहीं हुआ है इसी को हम बोल सकते हैं अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण भी बोल सकते हैं इसको हम, या फेल भी बोल सकते हैं कि फेल हो गया है। तो ये टोटल 100% में से हम 45% घटा देंगे, मतलब जो 55% बचा यही आपका उत्तीर्ण नहीं हुआ है, मतलब फेल हो गया है, अनुत्तीर्ण हो गया है, तो यही 55% का वैल्यू दिया है 79,750। तो 1% का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 79,750 बटे 55, और फिर 100% का वैल्यू निकाल देंगे तो 79,750 बटे 55 गुने 100, और इसी को हमने शॉर्टकट में यहां पर ये लिखा है 79,750 बटे 55 गुना 100। तो डायरेक्ट इतना लिखने आपको आना चाहिए, इतना करने की आवश्यकता आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं है, लेकिन हमें समझाना है तो हमें ये करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए 33 नंबर। एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ऐसा ही क्वेश्चन इसी वीडियो में हमने करा दिया है, वो क्वेश्चन नंबर आपको बता देना चाहते हैं कि कौन सा नंबर वो क्वेश्चन था, तो एक बार हम क्वेश्चन को थोड़ा
पीछे करते हैं और ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना था, तो 28 नंबर था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 हमने ऑलरेडी बता दिया है। क्वेश्चन नंबर जैसा 33 है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 28 इसी वीडियो में हमने पहले करा दिया है, तो वीडियो को रोक करके आप बनाने की कोशिश जरूर कीजिए क्वेश्चन नंबर 33 को, अगर आप क्वेश्चन नंबर 28 सीख चुके हैं तो। अब देखिए हम बताते हैं, अगर आपसे नहीं बना है तो सोल्यूशन भी जरूर देखिए। एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो सबसे पहले तो हम 33 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले ही क्वेश्चन नंबर 28 हमने इसी वेराइटी का करा दिया है, ये आप जान भी चुके हैं। तो देखिए जैसे हम वहां पर बताए थे उसी तरीका से यहां पर भी बताएंगे क्वेश्चन नंबर 33 को। तो यहां पर बॉयज, बी फॉर बॉयज यानी लड़कों की संख्या, जी फॉर गर्ल्स यानी कि लड़कियों की संख्या। तो यहां पर संख्या का अनुपात दिया है, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्वेश्चन में दिया है। क्या दिया है अनुपात, 3:2 है, यानी कि लड़के की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। तो टोटल आपका रेशियो में कितना है, बॉयज प्लस गर्ल्स, ये टोटल 3+2 यानी कि 5 है। फिर क्या करते हैं हम इसको, हम थोड़ा सा ये रेशियो में है तो इसको हम एग्जैक्ट वैल्यू में अगर जो करना चाहे तो कोई कांस्टेंट से गुना कर देते हैं। तो मान लीजिए कि 100 से गुना करते हैं तो इजी हो जाता है, 100 से ही गुना कर देते हैं तो रेशियो के प्रॉपर्टी के अनुसार आपको सभी में 100 से गुना करना होगा। रेशियो के किसी भी एक टर्म में आप किसी कॉन्स्टेंट से गुना करेंगे तो आपको उस रेशियो में जितना भी टर्म रहेगा वो सभी में उसी कॉन्स्टेंट से गुना करना होगा, ये रेशियो का मेन प्रॉपर्टीज होता है, सभी लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर 100 से हमने गुना कर दिया है तो 300 लड़का है, 200 लड़की है, तो टोटल 500 विद्यार्थी हो गए। अब देखिए क्वेश्चंस में क्या बोला है, क्वेश्चंस में बोला है यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो 20% लड़का को छात्रवृत्ति मिलता है तो 80% लड़का को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है, यानी कि 300 लड़का है तो 300 का 80% हम निकाल देंगे, मतलब ये कितना हो जाएगा, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाता है, तो इस तरह से 80 × 3 करेंगे तो 240 आपका जो लड़का है उसको छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। अब देखिए फिर लिखा था कि 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो 75% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो 200 लड़की टोटल है तो 200 का 75% हम निकाल देंगे तो क्या होता है, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाता है, 75 × 150 यानी कि 200 टोटल लड़की है जिसमें से 150 लड़की को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो आपसे पूछा है क्वेश्चन में कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो 240 लड़का को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है और 150 लड़की को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो कुल कितना विद्यार्थी है जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिलता है, मतलब ये दोनों को जोड़ देंगे मतलब कितना हो जाएगा, तो 240 + 150 मतलब ये आपका 390 हो गया। अब यही परसेंटेज में कितना है जो आपसे पूछा है, यानी कि 390 टोटल विद्यार्थी है जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिलते हैं और टोटल कितना है 500, तो यहां पर 390 को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है कितना में से, 500 में से, और इसको सबसे गुना करेंगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर देंगे तो ये भाग परसेंट कहने का मतलब छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है उसका परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो 00 पहले कैंसिल करेंगे और 5 से कैंसिल कर देंगे तो 5 × 7 = 35, फिर यहां पर 4 × 0 = 40 यानी कि 78% को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है, 78% छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। तो ये 78% कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए में दिया है 78%, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 नंबर, एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में, 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए जबकि 15% छात्र दोनों ही विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, यदि 325 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हो तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में पूछा है परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या बताइए, तो छात्रों की कुल संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 100% का वैल्यू क्या होगा जो आपसे पूछा है, और क्वेश्चन में दिया है 325 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, मतलब 325 छात्र फिजिक्स और केमिस्ट्री, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान दोनों में पास हुए हैं, ये क्वेश्चन में दिया है। तो देखिए
यहां पर हम वेन डायग्राम का यूज करेंगे, यानी कि वेन आरेख जो आप पढ़े होंगे 11th क्लास में, यानी कि फर्स्ट ईयर में आप पढ़े होंगे मैथ सेक्शन का जो पहला चैप्टर है सेट, तो एप्लीकेशन ऑफ सेट्स जो आपका है वहां पर ये आपका दिया रहता है वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख। तो देखिए इसका यूज करेंगे, दोनों में जो कॉमन होता है मतलब इसका डायग्राम ये वाला बनेगा इस तरह से आपका। तो ये पहला जो आपका सर्किल है ये मान लीजिए कि भौतिकी विज्ञान को दिखा रहा है यानी कि फिजिक्स को दिखा रहा है। तो फिजिक्स में कितना परसेंट छात्र उत्तीर्ण होते हैं, 80% छात्र। तो यहां लिख देते हैं फिजिक्स में 80% छात्र है जो उत्तीर्ण होते हैं। और ये दूसरा सर्किल है जो रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री को दिखा रहा है। तो केमिस्ट्री में दिया है कि 70% छात्र उत्तीर्ण होते हैं, 70% छात्र उत्तीर्ण होते हैं। ये क्या लिख रहे हैं हम, उत्तीर्ण, क्वेश्चंस में ही दिया है और यहां भी उत्तीर्ण 70% उत्तीर्ण होता है केमिस्ट्री में और फिजिक्स में 80%। और क्वेश्चंस में ये लिखा है जबकि 15% छात्र दोनों ही विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब दोनों ही विषय में 15% छात्र फेल हो जाते हैं। 15% अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो जाते हैं, तो 85% पास हुए होंगे, इस तरह से हम बोलेंगे। यानी कि यहां लिख देते हैं कि 15% आपका दोनों ही विषय में फेल हो जाता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 85% दोनों विषय में पास हुआ है, इस तरह से बोलेंगे। ये आपका दोनों का क्वेश्चन है, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का ये वाला क्वेश्चन है। अब देखिए कैसे करेंगे, तो यहां पर आपको समझना है कि ये आपका टोटल कितना है, टोटल ये आपका कितना है। ऐसे तो आप जानते हैं कि ये जो दोनों सर्किल होता है एक स्क्वायर के अंदर या रेक्टेंगल के अंदर में होता है, तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला से भी हम बना सकते हैं। ये आप जानते होंगे कि एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है, तो डायरेक्ट उसका हम यूज कर सकते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो यहां लिख देते हैं कि एन ए यूनियन बी बराबर आप जानते होंगे क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या होता है, दोनों में, मतलब ये आपका लिख देते हैं यूनियन का मतलब टोटल यानी कि कुल आपको समझना है कुल, और ये मतलब ए में जो छात्रों की संख्या है, मतलब ये जो ए कहने का मतलब पहला जो सर्किल है यानी कि फिजिक्स में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, यानी कि यहां पर ये कितना है 80% है, उसके बाद प्लस। और बी में मतलब दूसरा जो सर्किल है केमिस्ट्री में, इसमें 70% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, और माइनस करेंगे मतलब घटा देंगे जो दोनों में है। इंटरसेक्शन कहने का मतलब होता है ये दोनों में कॉमन, जो दोनों में कॉमन होता है उसको इंटरसेक्शन से लिखते हैं, इसको यूनियन पढ़ते हैं, लिख देते हैं इसको क्या पढ़ा जाता है, यूनियन यू एन आई ओ एन, और इसको क्या पढ़ा जाता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ये आप जानते होंगे। तो यहां पर ये कितना है 85% है, और यहां पर ध्यान रखना है कि ये पास है, पास कहने का मतलब उत्तीर्ण 85% उत्तीर्ण है, ये 80% उत्तीर्ण है, ये 70% उत्तीर्ण है। तो 80+70 माइनस 85 होगा, इसको सोल्व कीजिए तो 80+70 यानी कि 150% में से 85% हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 5 जाएगा 5, 14 में से 8 जाएगा 6, यानी कि 65% आपका क्या हुआ, उत्तीर्ण हुआ, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, यानी कि 65% उत्तीर्ण हुआ। क्वेश्चंस में दिया है 325 छात्र दोनों ही विषयों में उत्तीर्ण हुए, यानी कि यही 65% का वैल्यू, 65% का वैल्यू कितना दिया है 325 दिया है, तो 1% का वैल्यू कितना होगा 325/65, तो ये कैंसिल करेंगे तो 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1% का वैल्यू 5 हो गया, 5 25 5 बाकी 2 6 25 32 32, ठीक है। तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या पूछा है यानी कि 100% का वैल्यू, तो 100% का वैल्यू क्या होगा, 1% का वैल्यू 5, तो 100% का वैल्यू 5 × 100 यानी कि 500 डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 34 का 500 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर देखिए 35 नंबर, एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है, उसे 70 अंक मिले और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, इसको जल्दी से कैसे बनाएंगे, विदाउट पेन एंड पेपर भी आप बना सकते हैं। तो शॉर्टकट में कैसे हम बनाते हैं वो पहले आपको ओरली हम समझा देते हैं, बोल करके हम समझा देते हैं, फिर लिख करके भी आपको बता देंगे, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे और तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन में दिया है
क्या दिया है कि एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है, यानी कि 40% अगर अंक ला देता है कोई विद्यार्थी तो वह पास हो जाता है। तो पासिंग मार्क्स परसेंटेज में 40% दिया है, परीक्षा में अगर जो वह पास होना चाहता है तो 40% अंक लाना अनिवार्य है, तो 40% पासिंग मार्क्स हो गया। अब क्वेश्चंस में बोला है आगे, उसने 70 अंक प्राप्त किया और 20 अंकों से वह अनुत्तीर्ण हुआ, मतलब 20 अंक से वह फेल हो गया, तो 20 अंक उसको दे दीजिए तो वह पास हो जाएगा। 70 अंक तो उसने लाया है, 20 अंक से वह फेल हो चुका है, तो 70 अंक उसके पास है, 20 अंक हम उसको दे देते हैं, तो 70 + 20 उसके पास अब 90 अंक हो गया, मतलब वह पास हो गया। तो अंक में आपका पासिंग मार्क है कितना, 90 अंक, परसेंटेज में कितना, 40%, तो 40% का वैल्यू 90 अंक हुआ, तो 1% का वैल्यू 90/40 हो जाएगा। परीक्षा का पूर्णांक अपने आप में 100% 100% होता है, तो 100% का वैल्यू क्या होगा, 1% का वैल्यू 90/40, तो 100% का वैल्यू 90/40 × 100। तो इस तरह से डायरेक्ट हम बनाना चाहे तो किस तरह से बनाएंगे, परीक्षा का पूर्णांक आपसे क्वेश्चंस में पूछा है कि क्या होगा, तो 90/40 × 100। अब इसको सोल्व कीजिए, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 25 × 100 और 25 × 225, यानी कि 225 अंक का वह एग्जाम था, परीक्षा का पूर्णांक 225 हुआ। ये कौन सा ऑप्शंस में दिया है, 225, ऑप्शंस नंबर डी में दिया है 225, तो ऑप्शंस नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। देखिए इसको हम दूसरा तरीका से भी बता देते हैं, ये मान लीजिए कि मेथड फर्स्ट हुआ, डायरेक्ट आपको इसी अप्रोच से एग्जामिनेशन हॉल में बनाना है, ये कैसे हमने किया इसको जानना चाहते हैं, तो देखिए मेथड सेकंड हम बता देते हैं। क्वेश्चंस में बोला है कि 40% अंक लाना अनिवार्य है, मतलब 40% आपका पासिंग मार्क्स है, परसेंटेज में 40% अंक लाएगा कोई विद्यार्थी तो वह पास हो जाएगा, यानी कि 40% आपका परीक्षा का उत्तीर्णांक है। अब क्वेश्चंस में बोला है कोई विद्यार्थी है जो 70 अंक लाता है और वह 20 अंक से अनुत्तीर्ण होता है, मतलब 20 अंकों से वह फेल हो जाता है, तो 70 अंक उसने प्राप्त किया है, 20 अंक इसको हम दे देते हैं तो ये पास हो जाएगा, तो ये यानी कि 40% जो है 70 + 20 यानी कि 90 अंक के बराबर हो गया, तो हम बोलेंगे कि 40% का वैल्यू है जो ये 90 अंक के बराबर है, तो 1% का वैल्यू क्या होगा, 90/40, और परीक्षा का जो पूर्णांक होता है अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, तो 100% का वैल्यू क्या होगा, यही क्वेश्चन में पूछा है, तो 90/40 × 100 करेंगे और इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये कितना हो जाता है, 225, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना हो गया, 225, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, 36 नंबर। राहुल को 4 विषयों की परीक्षा देनी थी, पहले 3 विषयों में से प्रत्येक का पूर्णांक 50 था, जिनमें राहुल ने औसतन 60% अंक प्राप्त किए, चौथे और अंतिम विषय में राहुल ने 54 अंक प्राप्त किए और उसके कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत 64% हो गया, चौथे विषय के लिए पूर्णांक कितना था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम स्टार्ट कर देते हैं, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए वीडियो को रोक करके आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं, अगर नहीं बने तो इसका सोल्यूशन जरूर देखिए। तो क्वेश्चन में दिया है राहुल को 4 विषयों की परीक्षा देनी थी, 4 विषय है, यहाँ पर हम सबसे पहले चारों विषय इस तरह से लिख देते हैं रोमन अंक में, ये आपका पहला विषय है, ये दूसरा विषय है, ये तीसरा विषय है और ये आपका चौथा विषय है। तो यहां पर अब हम क्या लिखने जा रहे हैं, यहां पर हम लिख देते हैं पूर्णांक, यानी कि क्वेश्चंस में दिया है, क्या दिया है क्वेश्चंस में, पहले 3 विषयों में से प्रत्येक का पूर्णांक 50 था, यानी कि पहला विषय, दूसरा विषय और तीसरा विषय, ये पहले 3 विषय का पूर्णांक कितना था, 50 था, यानी कि इस तरह से हमने तीनों विषय का पूर्णांक 50 लिख दिया। अब क्वेश्चंस में आपसे पूछा है कि चौथा जो आपका विषय है इसका पूर्णांक कितना होगा, यही तो आपसे पूछा है। अब क्वेश्चंस में आगे ये भी दिया है, क्या दिया है क्वेश्चंस में, कि पहले 3 विषयों में से प्रत्येक का पूर्णांक 50 था, जिनमें राहुल ने औसतन 60% अंक प्राप्त किए, मतलब यहां पर प्राप्तांक लिख देते हैं, प्राप्तांक, तो ये प्राप्तांक जो लिख रहे हैं, मतलब ये जो तीनों विषय है, ये जो आपका तीनों विषय है, तो ये तीनों विषय में जो उसने अंक प्राप्त किया है उसका परसेंटेज दिया है, कितना दिया है, तो क्वेश्चंस में दिया है कि
क्वेश्चन में इस तरह से लिखा है कि पहले तीन विषयों में से प्रत्येक का पूर्णांक 50 था, जिनमें राहुल ने औसतन 60% अंक प्राप्त किया, मतलब 60% अंक प्राप्त किया है ये तीनों विषय में से, पहले तीन विषय में से। और आगे लिखा है क्वेश्चन में, चौथे और अंतिम विषय में राहुल ने 54 अंक प्राप्त किए, और यहाँ पर चौथा जो विषय है जितना इसका पूर्णांक था उसमें से कितना प्राप्त किया है, 54 अंक प्राप्त किया है। यहाँ पर हम इस तरह से 54 लिख देते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि और उसके कुल प्राप्त अंकों का प्रतिशत 64% हो गया। कुल प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना, 64% हो गया। कुल यानी कि ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो विषय है ये आपका, यानी कि यहां इस तरह से लिख देते हैं, यानी कि ये जो चारों विषय है, एक दो तीन चारों विषय है, चारों का कुल जो आपका प्राप्तांक का प्रतिशत है वो कितना है, 64% है। इस तरह से क्वेश्चंस में दिया है। तो क्वेश्चंस का इस तरह से डायग्राम सबसे पहले हमने बना दिया, अब इसको सोल्व करना है। आपसे पूछा है चौथा जो विषय है उसका पूर्णांक क्या था, तो कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले यहां पर आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि पहला, दूसरा और तीसरा विषय है तो तीनों का पूर्णांक बराबर है, यानी कि 50-50-50 का है, दिख रहा है क्लियरली भी क्वेश्चंस में दिया है। तो यहां पर ये जो आपका 50-50-100 और 50-150 जो है आपका टोटल पूर्णांक तीनों विषय का, उसमें से 60% लाया है, मतलब 150 में से 60% लाया है, तो कितना हुआ, 150 का 60% कितना हुआ, ये टोटल कितना हो गया, यानी कि 50+50+50 यानी कि टोटल आपका 150 हो गया। तो 150 में से 60% लाया है, तो ये अंक में कितना है, तो 150 का 60% निकाल दीजिए, 150 का 60% निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 15×6=90, यानी कि 150 का 60% यानी कि कितना, 90 हो गया। तो ये जो 60% है इसी को हम बोल सकते हैं ये आपका 90 है, यानी कि 60% आपका परसेंटेज में है और अंक में कितना, 90 अंक हुआ। दैट मीन्स अर्थात हम बोलना चाह रहे हैं कि पहले तीन विषय 50-50-50 का जो आपका पूर्णांक था, यानी कि पहले तीन विषय का टोटल आपका पूर्णांकों का योगफल 50-50-100 और 50-150, यानी कि पहले तीन विषय के पूर्णांकों का योगफल 150 में से उसने 90 अंक लाया, 90 अंक कहने का मतलब 60% लाया। तो अब देखिए ये जो चारों विषय है, ये चारों विषय आपको जो दिख रहा है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, चारों विषय का उसका परसेंटेज कितना, 64% का है। तो कैसे इसको निकालेंगे, देखिए यहां पर क्या करेंगे कि उसने कितना अंक प्राप्त किया है, तो यहां पर पहले तीन विषय में 90 अंक प्राप्त किया है, यानी कि 150 में से 90, और ये आपका जो चौथा विषय है जो भी जिसका पूर्णांक जितना था हमें पता नहीं है, यही तो निकालना है, इसमें से उसने 54 अंक प्राप्त किया है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वही आपको सोचना है। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, यहां मान लीजिए कुछ भी मान लेते हैं कि इसका पूर्णांक कितना था, तो एक्स था, यानी कि चौथा जो विषय है उसका पूर्णांक एक्स था, एक्स में से उसने 54 अंक प्राप्त किया है, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो टोटल पूर्णांक कितना हो गया, टोटल पूर्णांक कितना हो गया, कुल पूर्णांक, तो ये 50-50-50 तो 150 हो गया, 150 और ये x, मतलब ये तो पता नहीं है, तो x हमने अपने मन से मान लिया, तो कुल पूर्णांकों का योगफल चारों विषय होके कुल पूर्णांकों का योगफल कितना हो जाएगा, 150+x, यहां लिख रहे हैं 150+x, ये आपका कुल जो आपका पूर्णांक है उसका योगफल 150+x हो गया, उसमें से 64% लाया है, तो इसका 64% मतलब इतना गुना 64/100, और ये किसके बराबर होगा, तो ये पहला तीन विषय से यानी कि 150 नंबर में से 90 अंक लाया है, और चौथा जो विषय x नंबर का है उसमें से 54 अंक उसने लाया है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि ये जो आपका टोटल आपका जो पूर्णांकों का योगफल है 150+x, उसका 64% उसने अंक प्राप्त किया है, तो वो किसके बराबर होगा, तो पहला तीन विषय से यानी कि 90 अंक लाया है, और चौथा विषय से यानी कि चौथा विषय में उसने जो पूर्णांक एक्स था उसमें से 54 अंक पाया है, तो पहले तीन विषय से 90 अंक और चौथा विषय में 54 अंक, तो 90+54 यानी कि ये कितना हो जाएगा, तो 90 में पहले 10 दे देते हैं तो 100 हो जाएगा, यहां से 10 कम कर देंगे, 54 से 10 कम करेंगे यानी कि 44, तो यहां 100 और 44 यानी कि 144 हो जाएगा, जोड़ भी सकते हैं, 0 4 2 4 9 5 14 144 है, ठीक है। अब कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे, यहां पर कैंसिल कर देते हैं, यहां हम कैंसिल करना चाहते हैं 16 से, 16 चौके 64
और 16 नंबर 44 से, और ये 25 चौके 100, ये तिरछे गुना हो जाएगा 25 नंबर 225, यानी कि 150 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 25 गुना 9 कहने का मतलब 225। तो हम बोलेंगे कि x का मान कितना हो गया 225 में से आप 150 घटा दीजिए, तो 50 दे देंगे तो 100 हो जाएगा 25 और यानी कि 75, 225 में से 150 घटाएगा तो 75 होगा, तो x का मान कितना हो गया 75। दैट मीन्स हम बोलेंगे कि चौथा जो विषय था उसका पूर्णांक कितना था, तो 75 अंक का था, 75 अंक में से उसने 54 अंक लाया है, यही आपसे पूछा था। तो 75 अंक आपका चौथा विषय का पूर्णांक हुआ। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 36 का देखते हैं, ये ऑप्शन नंबर ए में दिया है 75, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर देखिए 37 नंबर, यदि मोहन को भौतिक विज्ञान में 72% अंक और रसायन विज्ञान में 68% अंक प्राप्त हुए, तो यह मानते हुए कि दोनों विषयों की भारिताएं यानी कि वेटेज समान है, मोहन को दोनों विषयों में मिलाकर मिलने वाले प्रतिशत अंक ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि भौतिक विज्ञान में 72% अंक प्राप्त किया है, यानी कि फिजिक्स में उसने 72% अंक प्राप्त किया है, और रसायन विज्ञान में 68% अंक प्राप्त किया है, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री में उसने 68% अंक प्राप्त किया है। तो देखिए 72% कहने का मतलब 72/100, यानी कि पूर्णांक 100 का था जिसमें से 72 अंक उसने फिजिक्स में लाया, उसी प्रकार से 68% का मतलब 68/100, दैट मींस केमिस्ट्री का भी पूर्णांक 100 था जिसमें से उसने 68 अंक प्राप्त किया। तो आपसे पूछा है क्वेश्चंस में कि यदि दोनों विषयों का वेटेज समान है, क्वेश्चंस में दिया है कि दोनों विषयों की वेटेज, यहां पर लिख देते हैं क्वेश्चंस में यह दिया है कि दोनों विषयों का जो वेटेज है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको भारिताएं बोलते हैं, यानी कि भारिताएं, दोनों विषय की जो भारिताएं हैं वो क्या है, समान है, यानी कि सेम है। इस तरह से जब दोनों विषय की भारिताएं वेटेज, दोनों विषय का वेटेज है जो बराबर है, तो आपसे पूछा है कि दोनों विषयों को मिलाकर मिलने वाले अंक का प्रतिशत बताइए, मतलब कुल प्रतिशत बताइए जो आपसे पूछा है। तो यहां लिख देते हैं दोनों विषय का कुल अंक का परसेंटेज बताइए ये क्या होगा, ये नहीं कि आप 72% और 68% जोड़ दीजिएगा वो आपका हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो कैसे करेंगे देखिए, यानी कि कुल कितना अंक उसने प्राप्त किया है, तो 72 अंक फिजिक्स में और केमिस्ट्री में 68 अंक, तो 72 प्लस 68 जितना अंक उसने प्राप्त किया है उसको अंश में लिखेंगे, और टोटल जो पूर्णांक है उसको नीचे में लिखेंगे, तो यहां 100 यहां 100 मतलब 100 प्लस 100, तो 200 आपका पूर्णांक हो गया, और इसको 100 से गुना करेंगे यानी कि ये आपका कुल प्रतिशत निकल कर आ जाएगा। तो यहां पर जोड़ दीजिए पहले, तो 72 में 8 दे देंगे तो ये 80 हो जाएगा, 80 प्लस 60 तो 140 हो जाएगा, 140/200 × 100। इसको सोल्व करते हैं तो 00 पहले कैंसिल कर देते हैं, और 1 × 2 = 70 × 140 यानी कि 70%। 70% कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर डी में दिया है 70%, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर, क्वेश्चन नंबर देखिए 38 नंबर, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता होती है, एक परीक्षार्थी को 210 अंक प्राप्त होते हैं और वह 21 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो इसको जल्दी से तुरंत कैसे बनाएंगे मन ही मन, तो देखिए क्वेश्चंस में दिया है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता है, मतलब पासिंग मार्क्स परसेंटेज में कितना चाहिए, 33% चाहिए, 33% अंक कोई विद्यार्थी ला देगा तो वह पास हो जाएगा, पासिंग मार्क्स कितना है 33%। अब क्वेश्चन में बोला है कि कोई परीक्षार्थी है जो 210 अंक प्राप्त करता है और वह 21 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब 21 अंकों से वह फेल हो जाता है, तो 210 अंक उसने लाया है, 21 अंक से वह फेल हो रहा है, तो 21 अंक उसको हम दे देते हैं, तो 210 + 21 यानी कि 231 अंक उसके पास हो गया, मतलब वह पास हो गया। तो 33% आपका पासिंग मार्क्स परसेंटेज में है और 231 अंक आपका अंक में ये पासिंग मार्क्स है, तो 33% का वैल्यू 231 अंक हो गया, तो 1% का वैल्यू 231/33 यानी कि 33/231 होता है, तो 1% का वैल्यू 7 अंक हो गया। तो परीक्षा का पूर्णांक अपने आप में 100% 100% होती है, तो 1% का वैल्यू 7, तो 100% का वैल्यू 700,
तो परीक्षा का पूर्णांक 700 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ये दिया गया है 700, सी नंबर ऑप्शन। इस तरह से तुरंत आप बना सकते हैं। यहां हम लिख देते हैं शॉर्टकट में, सबसे पहले कि परीक्षा का पूर्णांक आपसे पूछा था कि क्या होगा, तो हम क्या बोले आपको कि 33% तो लाना है उसको पास होने के लिए, 210 अंक उसने लाया है और 21 अंक से वह फेल हो गया है, तो 21 अंक उसको दे देते हैं, तो 210 अंक और 21 अंक 231 अंक हो गया, तो 33% का वैल्यू 231, तो 1% का वैल्यू क्या हुआ 231/33। 100% का वैल्यू निकालना है क्योंकि पूर्णांक अपने आप में 100% होता है, तो 100 से गुना करना होगा, 33/231 7 × 100 यानी कि 700 आपका आंसर हो जाएगा। परीक्षा का पूर्णांक 700 का था, कौन सा ऑप्शन में है, सी नंबर ऑप्शन में है 700, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। इसको डिटेल से बनाना चाहे तो यहाँ इस तरह से लिख देते हैं। दूसरा तरीका ध्यान से देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है कि परीक्षा का पासिंग मार्क्स है जो 33% है, 33% अंक अगर जो कोई परीक्षार्थी ला देता है तो वह पास हो जाता है। एक विद्यार्थी है जो 210 अंक लाता है और वह 21 अंकों से फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो 21 अंक उसको हम दे देते हैं तो वह पास हो जाएगा, यानी कि 33% का वैल्यू हो गया 210+21 यानी कि 231 अंक। तो यहाँ इस तरह से हम लिख देंगे कि 33% का वैल्यू हो गया 231 अंक, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 231/33, यानी कि कैंसिल भी कर सकते हैं, 7 बार में कैंसिल हो जाता है, तो 7% का वैल्यू यहाँ पर 1% का वैल्यू पहले निकाल देते हैं तो ये 7 हो जाएगा ना, और 100% का वैल्यू निकाल देंगे तो कितना होगा 700 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कितना सी में दिया था। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन है, राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किया, यदि राखी ने पूर्णांक 200 में से 54 अंक प्राप्त किए तो मोहन ने कितने अंक प्राप्त किए। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए, यहाँ इस तरह से लिख देते हैं राखी और मोहन। अब क्वेश्चन में ये लाइन लिखा है कि राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किया, इस तरह से मतलब मोहन जितना अंक प्राप्त करता है उससे 12 अंक ज्यादा राखी प्राप्त करती है। क्वेश्चन में एक लाइन बोला है कि राखी ने पूर्णांक 200 में से 54% अंक प्राप्त किए, मतलब 200 नंबर का कोई एग्जाम हो रहा था जिस मतलब परीक्षा का पूर्णांक 200 हो गया, उसमें से उसने 54% अंक प्राप्त किए, यानी कि 200 का 54% निकाल देंगे तो राखी कितना अंक लाई है जो पता चल जाएगा ना, तो यहाँ पर परसेंट से 20 कैंसिल होगा, 54 × 108 यानी कि राखी ने 108 अंक लाई है। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन में बोला है कि राखी मोहन से 12 अंक ज्यादा लाती है, तो इसका उल्टा भी आपको पता होना चाहिए कि मोहन है जो यानी कि 12 अंक कम लाया है राखी से, तो राखी 108 अंक लाई है तो 108 में से आपको 12 घटा देना है, तो 108 में से 8 घटावेंगे 100, 4 और घटावेंगे यानी कि 96, तो यहाँ पर मोहन ने कितना, मोहन ने 96 अंक लाया है, तो ये कौन सा ऑप्शन में 96 है। क्वेश्चन नंबर कितना है 39, ऑप्शन नंबर दिया गया है डी में 96, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर देखिए 40, एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किया परंतु अर्हता अंकों में 20 अंक कम था, दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए और ये अंक अर्हता अंकों से 5% अंक अधिक थे, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है। तो देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पास कराने की कोशिश करेंगे, दोनों को हम पास कराएंगे, तो पहला छात्र है जो 65% अंक प्राप्त करता है, 65% अंक प्राप्त करता है और क्वेश्चन में लिखा है अर्हता अंकों से 20 अंक कम था, मतलब पासिंग मार्क से 20 अंक कम था, तो 20 अंक इसको हम दे देते हैं तो ये पास हो गया। इसी प्रकार से दूसरा जो आपका छात्र है वो 80% अंक प्राप्त करता है और जो पासिंग मार्क्स है उससे 5% अंक ज्यादा लाता है वह, तो 5% हम घटा देंगे तो ये भी आपका पासिंग मार्क्स हो गया, तो ये बराबर होगा ना, यानी कि 65% + 20 अंक बराबर 80% - 5% यानी कि 75%। अब देखिए ये 75% है और प्लस 65% इस तरफ आएगा तो माइनस में 65% हो जाएगा और ये 20 के बराबर होगा, तो 75 में से 65 घटा देंगे तो 10 बचेगा, 10% का वैल्यू 20 हुआ। आपसे क्या पूछा है, परीक्षा का पूर्णांक क्या है,
तो 100% का वैल्यू निकालना है, यानी कि 10% का वैल्यू 20, तो 100% का वैल्यू 200 हो जाएगा। या 1% का वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहां से कि 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू 2 हो जाएगा। 1% का वैल्यू 2 होगा ना, 10% का वैल्यू 20 है, तो 1% का वैल्यू निकालेंगे तो 20/10 यानी कि 2 होगा, तो 100% का वैल्यू निकालेंगे यानी कि 200 हो जाएगा। तो परीक्षा का पूर्णांक 200 कौन सा ऑप्शन है, ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया है 200, तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। देखिए 41 नंबर, एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है, जितना भी पूर्णांक है उसका 50% लाना आवश्यक है। अगर मान लीजिए कि पूर्णांक 1000 का है तो 500 नंबर 50% कहने का मतलब आधा, 1000 पूर्णांक है तो उसका 50% यानी कि 1000 का आधा लाना यानी कि 500 नंबर लाना जरूरी है, ये क्वेश्चन में बोला है। अगर 100 नंबर का पूर्णांक है तो 100 का 50% यानी 100 का आधा 50 नंबर लाना जरूरी है, 50% का मतलब होता है आधा। अब देखिए आगे क्वेश्चन में लिखा है, परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है, एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो इसको हम सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन अगर आप बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक करके बनाने की कोशिश जरूर कीजिए, अगर नहीं बन पाए तो इसका सॉल्यूशन भी जरूर देखिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पर परीक्षा में लिखा है कि 2 प्रश्न पत्र है, पहला प्रश्न पत्र ये है और ये आपका दूसरा प्रश्न पत्र है। यहाँ पर हम ये लिख देते हैं, ये आपका क्या है, प्रश्न पत्र यानी कि विषय भी हम बोल सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर लिख देते हैं पूर्णांक, यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, पूर्णांक। तो क्वेश्चन में दिया है कि जो पहला प्रश्न पत्र है वो 200 पूर्णांक का था, मतलब पहला जो आपका पेपर है वो 200 नंबर का था, और दूसरा जो आपका पेपर है, क्वेश्चन में लास्ट में लिखा है, देखिए क्या लिखा है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे, मतलब 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र, तो दूसरा जो आपका पेपर है वो उसका पूर्णांक कितना है, 150 नंबर का है। पहला जो पेपर है 200 नंबर का है, दूसरा जो पेपर है 150 नंबर का है। अब क्वेश्चन को फर्स्ट लाइन बोल दिया है कि 50% अंक लाना अनिवार्य है, नेसेसरी है, जरूरी है, एसेंशियल है, तो यहां पर लिख देते हैं ये लाइन, आपको ये ध्यान रखना है कि 50% अंक लाना प्रत्येक विषय में, दोनों विषय में, यहां लिख देते हैं ये लाइन भी कि प्रत्येक प्रश्न पत्र में 50% अंक लाना, 50% अंक लाना अनिवार्य है। अनिवार्य है कहने का मतलब नेसेसरी है यानी कि जरूरी है, ये सबसे पहले हमने यहां पर लिख दिया, अगर आप भूल जाते हैं तो ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस में ये सबसे फर्स्ट लाइन ही लिखा है कि प्रत्येक विषय में आपको क्या करना है कि 50% अंक लाना ही होगा, 50% अंक लाना जरूरी है। तो सबसे पहले यहां पर देखिए हम क्या करते हैं कि जो जरूरी है यानी कि ये लिख देते हैं, सबसे पहले जरूरी क्या है कि 50% अंक लाना जरूरी है, यहां भी 50% लाना जरूरी है, यहां भी 50% लाना जरूरी है। तो 200 का 50% यानी कि 100 नंबर लाना जरूरी है, और 150 का 50% यानी कि 150 का आधा, तो 75 नंबर लाना जरूरी है, ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन हम शुरू से पढ़ते हैं, एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है, मतलब परीक्षा का पहला जो आपका पेपर है 200 नंबर का है तो इसका 50% यानी कि 100 नंबर लाना जरूरी है, दूसरा जो प्रश्न पत्र है, दूसरा जो पेपर है वो 150 नंबर का है तो उसका 50% यानी कि 75 नंबर लाना जरूरी है, 150 में से 75 नंबर लाना जरूरी है और 200 नंबर में से 100 नंबर लाना जरूरी है। फिर आगे देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में लिखा है कि परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है, एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किया। देखिए पहला प्रश्न पत्र जो है 200 नंबर का, इसमें से उसने 40% अंक प्राप्त किया, ये लाइन हम यहां पर लिख देते हैं, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में बोला है कि पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक लाया या प्राप्त किया, इस तरह से हम बोलेंगे। तो 40% अंक लाया है उसने पहले प्रश्न पत्र में, मतलब 40% का मतलब कितना अंक लाया है,
तो 200 नंबर का पेपर था पहला, तो 200 का 40% निकाल दीजिए, 200 का 40% निकालेंगे, परसेंटेज से दो जीरो कैंसिल होगा, यानी कि 40 दूनी 80, तो हम बोलेंगे कि उसने 80 अंक लाया है, यानी कि पहले प्रश्न पत्र जो 200 नंबर है उसमें से 80 अंक उसने लाया है। लिख देते हैं कि 200 में से 80 अंक लाया है, 200 अंक में से 80 अंक उसने प्राप्त किया है। ये हमने बोला क्वेश्चन में ही बोला है कि 40% अंक लाया है पहले प्रश्न पत्र में से, तो 40% अंक लाया है मतलब पूर्णांक था 200 का, तो 200 का 40% यानी कि 80 अंक उसने पहले प्रश्न पत्र से लाया है। अब देखिए यहां पर उसको 100 अंक लाना चाहिए था, लाया है कितना 80 अंक ही लाया है, तो 20 अंक उसको और चाहिए, यहां पर 20 अंक उसको और चाहिए ना, 20 अंक उसको और चाहिए तभी वह पास हो पाएगा, क्योंकि कंडीशन है जरूरी, ये कंडीशन दिया है कि 50% अंक उसको चाहिए, यानी कि 100 अंक उसको चाहिए, 100 अंक में से उसने 80 अंक लाया है तो 20 अंक उसको और चाहिए। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है क्या, क्वेश्चन में पूछा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। तो देखिए दूसरा जो आपका पेपर है वो 150 नंबर का है, तो उसका 50% लाना जरूरी है, यानी कि 75 नंबर लाना जरूरी है, तो यहाँ पर 75 नंबर इसमें लाना जरूरी है, और पहला जो पेपर है उसमें से यानी कि 200 में से तो वह यानी कि 200 का 40% लाया है, तो यानी कि 80 नंबर ही लाया है, हमें 100 नंबर लाना है ना पहला पेपर में, यानी कि 20 नंबर कम लाया है, तो 20 नंबर और उससे चाहिए, तो प्लस 20 इसलिए हमने लिखा, मतलब यहाँ पर प्लस 20 आपको और कर देना है। तो ये दूसरा जो पेपर है उसमें तो 75 नंबर लाएगा ही, 20 नंबर और उसे लाना है, यानी कि यहाँ आपका 20 नंबर कम लाया है तो यहाँ 20 नंबर ज्यादा लाना होगा उसको, तो 75 प्लस 20 यानी कि ये 95 नंबर हो गया, टोटल कितना 150 में से लाना होगा उसको, तो 95/150 × 100 करेंगे, ये आपका परसेंटेज निकल कर आ जाएगा, इसको सिर्फ सोल्व कर देना है। तो सोल्व कर देते हैं, देखिए 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 19 × 5 = 95, 19 × 2 = 190, यानी कि ये हो गया 190/3%। इसको सोल्व करेंगे तो 3×6 = 18, 1 और 0 = 3, 3 = 9, फिर 1/3 मतलब 0.33, इस तरह से ये रिपीट होते रहेगा, तो 63.33%, ये लगभग में आपका दिया है, तो लगभग में हम इसको बोल सकते हैं 64% ऑप्शंस के अनुसार, क्योंकि ऑप्शंस जो दिया है 65%, 60%, 68%, 64%, तो इसके नजदीक 64% पड़ रहा है, तो 64% आपका हो जाएगा ऑप्शंस नंबर डी, ऑप्शंस के अनुसार। देखिए ऑप्शंस में क्या क्या दिया है वो भी हम लिख देते हैं, ऑप्शंस नंबर ए में दिया है 65%, ऑप्शंस नंबर बी में कितना दिया है 60%, और ऑप्शंस नंबर सी में कितना दिया है, ऑप्शंस नंबर सी में 68%, ऑप्शंस नंबर डी में दिया है 64%। तो यहां देख सकते हैं कि 63.33% के नजदीक में 65% तो नहीं है, 60% भी नहीं है, 68% भी नहीं है, 64% इसके करीब में है, तो यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 नंबर, क्वेश्चन नंबर देखिए 42, 42 नंबर क्वेश्चन है, यदि अंजू हिंदी के 80 अंक में 68 कौमा गणित में 60 में से 46 अंक और विज्ञान में 90 अंक में से 74 तथा अंग्रेजी में 45 में से 35 अंक प्राप्त करती है, तो अंजू कौन से विषय में अधिकतम प्रतिशत अंक प्राप्त की। तो सबसे पहले सभी का परसेंटेज हमें निकालना होगा, तो देखिए सबसे पहले बोला है कि हिंदी के 80 अंक में 68 अंक उसने प्राप्त की है, तो यहां पर हम हिंदी में कितना परसेंट अंक प्राप्त की है जो निकाल देते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि 80 अंक में 68 अंक प्राप्त की है, पूर्णांक टोटल कितना 80 अंक का है जिसमें से उसने 68 अंक प्राप्त की है, तो इसको 100 से गुना कर देंगे, 68/80 × 100 करेंगे, मतलब इतना परसेंट आपका हिंदी का जो परसेंटेज है निकल कर आ जाएगा। तो कैसे लिखिए, 20×80, 20×25 = 100, 17×68, 17×5 = 85, हिंदी में 85% अंक प्राप्त की है। फिर आगे लिखा है कि गणित में 60 में से 46 अंक प्राप्त की है, यहां देखिए लिख देते हैं गणित, तो क्वेश्चन में बोला है कि गणित में 60 में से 46 अंक प्राप्त की है, यानी कि 60 अंक का पूर्णांक है जिसमें से 46 अंक प्राप्त की है, तो 46/60 × 100 करेंगे, अब इसको सोल्व करेंगे तो 20×3 = 60, 20×25 = 100, अब यहां पर ये कैंसिल तो नहीं होगा तो गुना ही करना होगा, 46/5 कितना होगा, 40/5 = 200, 6/5 = 30, तो 230 हो जाएगा,
बटे तीन, और यहां पॉइंट में कर देते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, तीन सत्य 21, फिर यहां दो और जीरो यानी कि 20 हो गया, फिर तीन छक 18, फिर दो और जीरो यानी कि फिर तीन छक 18, मतलब 0.666 या 0.67 लगभग में लिख देते हैं, 76.67%। फिर अगला क्या है, विज्ञान में 90 अंक में से 74 अंक उसने प्राप्त किया है, तो यहां पर अब साइंस यानी कि विज्ञान का भी निकाल देते हैं। टोटल 90 अंक का पूर्णांक था विज्ञान में, 90 में से 74 अंक उसने प्राप्त किया है, तो 74/90 गुना 100 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, अब कैंसिल नहीं होगा, तो 74 × 10 यानी कि 740/9 यानी कितना परसेंट, अब इसको यानी कि थोड़ा सोल्व करेंगे तो 9×8 72, फिर 2 और 0 9×2 18, फिर 2 और 0 यानी कि 0.222 ये रिपीट होते रहेगा, तो 82.22%। इसके बाद देखिए अंग्रेजी में 45 में से 35 अंक प्राप्त किए हैं, तो अंग्रेजी का यानी कि इंग्लिश का भी परसेंटेज निकालना ही होगा, तो 45 में से 35 अंक प्राप्त किए हैं, 45 टोटल पूर्णांक आपका है जिसमें से 35 अंक प्राप्त किए हैं, तो 35/45 गुना 100 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे 7×35 9×45, तो 7×100 यानी कि 700/9, अब इसको पॉइंट में करेंगे तो 9×7 63, फिर 7 और 0, फिर 9×7 63, फिर 7 और 0 यानी कि 0.77 या 0.78 लिख सकते हैं। तो अब देखिए आपसे क्या पूछा है, अंजू कौन से विषय में अधिकतम प्रतिशत अंक प्राप्त की, सबसे ज्यादा किसमें प्राप्त की है, यहाँ 77.78%, यहाँ 82.22%, यहाँ 76.67%, यहाँ 85%, तो ये है जो सबसे ज्यादा है, यहाँ लिख देते हैं सबसे ज्यादा मतलब सबसे अधिक आपका कौन सा विषय में हो रहा है, तो ये कौन सा विषय था, हिंदी, तो हिंदी कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 नंबर, क्वेश्चन नंबर देखिए 43 नंबर, एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक अर्जित किए, 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से अनुपात क्या है, यह आपसे पूछा है। तो देखिए 50% या 50% से अधिक, इसको हम संकेत में इस तरह से लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब 50% या 50% से अधिक। अब देखिए इसका रेशियो पूछा है किसके साथ, तो आपसे पूछा है कि 50% के कम के साथ, लेस देन 50% यानी कि 50% से कम, तो क्वेश्चंस में दिया है, क्या लिखा है क्वेश्चंस में, एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक अर्जित किए, मतलब 85 टोटल विद्यार्थी है जिसमें से 40 विद्यार्थी ने 50% से कम अंक प्राप्त किए, तो ये 50% से कम अंक वाला है, मतलब 40 विद्यार्थी है जो 50% से कम अंक प्राप्त किया, टोटल 85 विद्यार्थी है, तो 85 में से हम ये 40 घटा देंगे, मतलब ये जो 45 विद्यार्थी है ये 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त किया है। अब ये दोनों का रेशियो पूछा है, तो ये पहले घटा देते हैं, ये 45 हो जाएगा ना, तो 45 और 40 का रेशियो क्या होगा, 9×45 8×40, तो 9:8, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 9:8, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 44 है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत 42% होना चाहिए, यदि अधिकतम अंक 450 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करने आवश्यक है, परीक्षा का अधिकतम अंक 450 है यानी कि पूर्णांक कितना है 450 है और 42% अंक प्राप्तांकों का चाहिए उसे, तो यहाँ पर क्वेश्चंस में लिखा है कि प्राप्तांकों का प्रतिशत 42% होना चाहिए, मतलब इस तरह से लैंग्वेज में लिखा गया है। अब देखिए क्वेश्चंस नंबर 44 नंबर, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत 42% होना चाहिए, यदि अधिकतम अंक 450 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना आवश्यक है, परीक्षा का अधिकतम अंक 450 है यानी परीक्षा का पूर्णांक 450 है
और उसको 42% अंक लाना है, तो कितना अंक लाना होगा, यानी कि 450 का 42% निकाल देना है, 450 का 42%। तो इसको सोल्व कर दीजिए, तो 450 गुने 42/100, 10 से 10 कैंसिल होगा, 2 5 10, 9 5 45 और 21 2 42, 91 89 से 189 अंक लाना उसे जरूरी है। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 189, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर देखिए 45। एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए, जो 78% अंक प्राप्त करने के बराबर था, परीक्षा कितने अंकों की थी। तो 78% अंक प्राप्त किया है जो 58.5 अंक के बराबर था, यानी कि 78% का वैल्यू कितना है, 58.5 अंक। तो 1% का वैल्यू पहले निकाल देते हैं, तो 58.5/78 हो जाएगा। परीक्षा का पूर्णांक यानी कि 100% का वैल्यू आपसे पूछा है, तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा, 58.5/78×100। इसको सोल्व कीजिए, तो डेसिमल हटाएंगे तो नीचे में 10 से गुना हो जाएगा, 78 × 10। अब यहां देखिए क्या करना होगा, 10 से 10 कैंसिल, उसके बाद यहां पर ये कैंसिल होना चाहिए, 13 से कैंसिल होता है, ये 13 से कैंसिल होता है ये नहीं देख लेते हैं, 13 चौके 52, 52 6 58 हो जाएगा कैंसिल, 13 6 78 और 13 से कैंसिल करेंगे, 13 चौके 52, फिर 58 में से 52 घटावेंगे, 6 बचेगा, 6 और 5 65, 13 5 65, उसके बाद 2 3 6 और 15 3 45 और ये 2 5 10, तो 15 5 75 यानी कि 75, यानी कि 75 अंक का पूर्णांक था। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर कितना है 45, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 75, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित है, यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो उस दिन कक्षा में कुल संख्या कितनी थी, छात्रों की कुल संख्या उस दिन कितनी थी, यह पूछा है। तो देखिये, किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित है, तो कुल अपने आप में कितना, 100% छात्र होते हैं, कुल कितना 100% छात्र होते हैं सभी लोग जानते हैं, और क्वेश्चन में दिया है कि 5% अनुपस्थित है किसी दिन, यानी कि अनुपस्थित कितना है, तो ये क्वेश्चन में दिया है कि अनुपस्थित 5% है, तो उपस्थित कितना होंगे, यानी कि 100% में से ये 5% हम घटा देंगे तो जो बचेगा 95% प्रेजेंट है उस दिन। अब क्वेश्चन में बोला है कि यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, यानी कि उपस्थित छात्रों की संख्या परसेंटेज में 95% है और यहाँ पर अंक में दिया है कि 38 है, तो 95% का वैल्यू 38 दिया है, तो 1% का वैल्यू निकालेंगे तो 38/95 हो जाएगा, और आपसे पूछा है कुल यानी कि उस दिन छात्रों की संख्या कक्षा में कितनी थी, तो 100% का वैल्यू क्या होगा, जो आपसे पूछा है यानी कि 1% का वैल्यू 38/95, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 38/95 × 100, 19 2 38, 19 5 95, 20 5 100, 20 2 40, तो 40 कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर ए में दिया है 40, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए और प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक है, उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है, मतलब परीक्षा का उत्तीर्णांक आपसे पूछा है क्या है, पासिंग मार्क्स परसेंटेज में पूछा है क्या होगा। तो देखिए, दो व्यक्ति है, दोनों को हम पास करा देंगे, पहला व्यक्ति है राम, यहाँ पर लिख देते हैं पहला व्यक्ति का नाम है राम, दूसरा व्यक्ति कौन है, आदित्य, यहाँ पर दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों को हम पास कराएंगे, तो पहला व्यक्ति राम है, राम के लिए बोला है क्वेश्चन में, राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए, राम ने किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किया है और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 20 अंक से वह फेल हो गया, तो 20 अंक हम राम को दे देंगे तो वह पास हो जाएगा, यानी कि राम पास हो चुका है। अब देखिए आगे, आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए, आदित्य है जो 45% अंक प्राप्त किया है, फिर आगे क्वेश्चन में बोला है आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए और प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक
अंकों से 30 अंक अधिक था, तो 30 अंक इसमें से हम घटा देंगे तो ये भी पासिंग मार्क्स है, मतलब ये भी पास हो गया। अब देखिए यहां पर क्या करना है, मतलब दोनों आपका पासिंग मार्क्स है, अब परसेंटेज वाले को एक तरफ अंक वाले को दूसरी तरफ करेंगे तो ये 45% है और प्लस 40% इस तरफ आएगा तो माइनस 40% हो जाएगा। इधर पहले से प्लस 20 है और माइनस 30 इधर आएगा तो प्लस 30 हो जाएगा, तो 45% माइनस 40% तो ये 5% और 30 प्लस 20 तो 50। हम बोलेंगे कि 5% का वैल्यू कितना हो गया 50, 5% का वैल्यू कितना हो गया 50। तो अगर परीक्षा का पूर्णांक पूछता तो 100% का वैल्यू निकाल देते, वो भी निकाल ही देते हैं। यहां हम अगर जो 100% का वैल्यू निकाल देते हैं तो 5 में 20 से गुना करना होगा तो 100 हो जाएगा, तो 50 में भी 20 से गुना करेंगे यानी कि ये 50 गुना 20 तो 1000। यानी कि अगर परीक्षा का पूर्णांक पूछता तो परीक्षा का पूर्णांक कितना हो जाता, परीक्षा का पूर्णांक अगर पूछता आपसे तो 1000 आपका परीक्षा का पूर्णांक हो जाता। लेकिन आपसे पूछा है पासिंग मार्क्स, यानी कि आपसे पूछा है कि पासिंग मार्क्स का परसेंटेज क्या है, परसेंटेज में आपसे पूछा है ना, हाँ परसेंटेज में ऑप्शन दिया है यानी कि ये परसेंटेज में पूछा है। तो देखिए यहां पर आप राम से निकाल सकते हैं या आदित्य से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से, दोनों में से किसी एक तरफ से आप चल दीजिए आपका आंसर आ जाएगा, या दोनों तरफ से आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए मान लेते हैं कि हम इधर से निकाल देते हैं 40% प्लस 20 जो लिखा है इससे निकालना चाहते हैं, तो ये तो परसेंट में है, अब ये अंक में है, इसको परसेंट में करेंगे। तो देखिए 5% का मतलब कितना होता है 50 अंक, या 50 अंक का मतलब 5%। तो यहां से हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि 1% का मतलब कितना होगा, मतलब दोनों तरफ 5 से भाग दे देंगे तो 1% का मतलब 10 अंक, यहां लिख देते हैं कि 1% का मतलब 10 अंक हो गया या 10 अंक का मतलब 1% हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि 20 अंक का मतलब 2% होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो 20 अंक का मतलब ये कितना, 20 अंक लिखा है इसका मतलब 2%, तो 40% और 2% यानी कि 42%, तो 42% आपका पासिंग मार्क्स है। या यहां से भी चल सकते हैं, देखिए ये तो यहां पर हमने आपको करके बता दिया ना कि 20 अंक का मतलब कितना हो गया, 20 अंक का मतलब 1 अंक का मतलब 1% का मतलब 10 अंक, 10 अंक मतलब 1%, तो 20 अंक मतलब 2%, तो 40% प्लस ये 2% तो ये 42% हो गया, यानी कि 42% आपका पासिंग मार्क्स हो गया। यहां से भी देख सकते हैं और इधर भी देख लीजिए कि 10 अंक का मतलब 1%, तो 30 अंक का मतलब कितना होगा 3% होगा ना, यानी कि 30 अंक का मतलब 3% हुआ, तो 42% ये 45% में से 3% घटाएंगे तो 42% आ रहा है क्लियरली। मतलब आप देख सकते हैं कि इधर भी 42% इधर भी 42% यानी कि पासिंग मार्क्स परसेंटेज में 42% है। ये कौन सा ऑप्शन है 42%, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो का पहला ही क्वेश्चन हमने आपको इसी तरह से बताया है, वहां पर जो आपसे पासिंग मार्क्स पूछा था वो आपका अंक में पूछा था, जो 148 आंसर आया था। यहां भी आपको पासिंग मार्क्स हम अंक में निकाल करके बता ही देते हैं। देखिए पासिंग मार्क ये अंक में कितना है, दैट मींस मेरे कहने का मतलब है कि ये 42% है जो अंक में कितना है, परसेंटेज में तो आपका 42% है। तो अगर पूर्णांक निकाल दिए हैं तो तुरंत आप निकाल सकते हैं कि 1000 का 42% कितना होगा, इस तरह से आप तुरंत कर सकते हैं 1000 का 42%, तो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो जाता है, 10 गुना 42 करेंगे यानी कि 420, यानी कि पासिंग मार्क्स कितना है 420। या दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका आप इस तरह से कर सकते हैं, जैसे लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे तो 40% और ये तो आपका आंसर इस तरह से हो जाएगा, मतलब अगर ये पूछेगा कि अंक में कितना है तो 420, इसका निकालने का 420 निकालने का दूसरा तरीका देखिए, लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं तो 40% प्लस 20 आपका पासिंग मार्क्स है, तो ये तो परसेंटेज में आपका पूछा था तो 42% हो गया। यानी कि यहां देखिए हमें अंक में निकालना है, तो जो परसेंटेज में है उसको अंक में कर देंगे कन्वर्ट, तो ये तो अंक में है 20 अंक और 40% का मतलब कितना अंक हुआ, तो देखिए 30% का मतलब यहां 3% का मतलब 30 अंक, मतलब 30 अंक है तो 3% है, तो 40 अंक है मतलब 4% है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। यहां देख सकते हैं कि 50 अंक का मतलब 5%, तो यहां पर 10 अंक का मतलब 1%, तो 10 चौके 40 तो 1 चौके 4 यानी कि 40 अंक का मतलब 4% हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर ये 40 अंक होगा तो 4% होगा, तो यहां पर ये आपका 40% है, परसेंट में कितना है 40, यानी कि एक में हमें कितना से 40 से गुना करना होगा, तो एक में 40 से गुना करेंगे तो ये 40% हो जाएगा, तो 10 में भी 40 से गुना करना होगा तो 10 गुना 40 यानी कि कितना होगा 400। तो हम बोलेंगे
कि 40% का मतलब कितना हुआ, 400 अंक हुआ। ये 400 अंक और प्लस ये 20 अंक, तो ये इस तरह से 420 अंक हो रहा है। या दूसरा तरीका और भी है, इधर से भी चल सकते हैं, 45% माइनस 30 अंक, तो 45% का मतलब कितना अंक हुआ। तो देखिए कैसे करेंगे, 1% का मतलब कितना, 10 अंक, तो 45% का मतलब 45 × 10 यानी कि 450 अंक, इसमें से 30 अंक घटा देंगे तो 420 अंक हो जाएगा। तो जितना पॉसिबिलिटी बन सकता था, जितनी संभावनाएं हो सकते थे, सारे हमने इस क्वेश्चन में कवर किए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इसी वीडियो का पहला क्वेश्चन बताया था, उसी प्रकार से आपको इस क्वेश्चन में भी पूरा डिटेल से हमने बता दिया। परीक्षा का पूर्णांक आपका 1000 हो गया, पासिंग मार्क्स परसेंटेज में 42% हो गया, पासिंग मार्क्स अंक में 420 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 के बाद 47, ये तो 47 था ही ना, ये 47 था, 45, 46, ये 47 था, 47 नंबर ये था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 48 नंबर, क्वेश्चन नंबर देखिए 48 नंबर, एक परीक्षा में प्रांजॉय ने 272 अंक प्राप्त किए जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था, परीक्षा कितने अंकों की थी। परीक्षा 100% अंकों की होती है, यानी 100% का वैल्यू पूछा क्या होगा, यहां दिया है 64% अंक है जो 272 अंक के बराबर है, यानी कि 64% का वैल्यू दिया है, कितना है, 272 अंक है, तो 1% का वैल्यू निकाल देंगे तो कितना होगा, 272/64 हो जाएगा, और 100% का वैल्यू निकालेंगे, यानी परीक्षा का पूर्णांक हमें निकालना है तो 100% का वैल्यू निकालना होगा, तो 272/64 × 100 आपको करना है। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहां पर कैंसिल करते हैं, देखिए यहां कैंसिल करेंगे, 16 × 64, 25 × 100 और भी कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे, 4 × 16, इसको 4 से कैंसिल करते हैं, 4 × 6 = 24 और एक और 4 × 6 = 24, तो यहां पर 3 बचा शेषफल, 3 × 2 = 32, फिर 17 × 68 हो जाता है, और 17 × 25 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 × 5 = 85, यानी 17 × 25 आपको करना है, तो 17 × 5 = 85, बाकी 8, 17 × 2 = 34 और बाकी 8, 34 और 8 कितना, 42, तो 425 कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर ये दिया गया है 425, जो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बता देते हैं, 49 नंबर, क्वेश्चन नंबर देखिए 49 क्या है, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित तालिका परीक्षण में भाग लेने वाले छात्रों के परिणाम दर्शाती है, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत आपसे पूछा है, क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है कि उत्तीर्ण होने वाले जो छात्र है उसका परसेंटेज पूछा है, तो कितना छात्र उत्तीर्ण हुआ है उसको ऊपर में लिखेंगे, तो यहाँ 150 मतलब 150 छात्र उत्तीर्ण हुआ है, और नीचे में टोटल लिखेंगे मतलब टोटल कितना है, 150 उत्तीर्ण हुआ है और 100 अनुत्तीर्ण हुआ है, मतलब 150 + 100 ये टोटल को नीचे में लिखेंगे और गुना 100 करेंगे। अब इसको सोल्व कर देना है, तो 150 + 100 ये 250 हो गया, तो यानी कि कैंसिल करेंगे, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 25 × 100, 15 × 60 यानी कि 60% उत्तीर्ण हुआ, तो ये कौन सा ऑप्शन है, 60% ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 50 नंबर, यहां पर बता देते हैं 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 32 अंक अधिक है, परीक्षा का पूर्णांक क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था, जस्ट ये 48 के पहले यानी कि जो 47 बताए थे शायद, या 46 कितना नंबर वो था, वो आपका था 47 नंबर क्वेश्चन में डिटेल से हमने बता दिया, फिर उसी वेराइटी का आ गया है क्वेश्चन नंबर 50। तो देखिए इसका सोल्यूशन, दो अभ्यर्थी है मतलब दो स्टूडेंट है, दो विद्यार्थी है, पहला और दूसरा, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए पहला जो अभ्यर्थी है 20% अंक प्राप्त करता है और 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब 35 अंकों से फेल हो जाता है, कोई पहला जो आपका विद्यार्थी है वह 20% अंक प्राप्त करता है और वह 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, 35 अंक से वह फेल हो जाता है, तो 35 अंक इसको दे देंगे तो यह पास हो जाएगा, पहला विद्यार्थी को हमने पास करा दिया। दूसरा अभ्यर्थी है वो 50% अंक प्राप्त करता है, दूसरा अभ्यर्थी है जो 50% अंक लाता है और
उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32 अंक अधिक है, मतलब ये 50% अंक लाया जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 32 अंक अधिक है, तो 32 अंक इसमें से हम घटा देंगे तो ये पासिंग मार्क्स हो गया। अब ये दोनों बराबर है, परसेंटेज वाले को एक तरफ और अंक वाले को दूसरी तरफ कर देंगे, तो ये देखिए 50% है और इधर 20% प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 20% हो जाएगा, और इधर पहले से कितना है 35 प्लस में और माइनस 32 इधर आएगा तो प्लस 32 होगा, तो 50% माइनस 20% ये कितना हो गया 30% हो गया, और 35 प्लस 32 तो ये कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा, तो 30% का वैल्यू 67 है। अब 100% का वैल्यू हमें निकालना होगा, तो यहाँ पर 1% का वैल्यू पहले निकाल देते हैं तो 67/30 हो जाएगा, और परीक्षा का पूर्णांक यानी कि 100% का वैल्यू निकालना होता है, और थोड़ा नीचे लिख देते हैं 100% का वैल्यू हमें निकालना है ना, तो क्या हो जाएगा 67/30 गुना 100। अब इसको सोल्व कीजिए तो एक जीरो से जीरो कैंसिल होगा, अब यहां पर ये कैंसिल तो नहीं होगा, तो 670/3 हो गया। अगर क्वांट में करेंगे तो क्या होगा 3 × 6 फिर 3 × 6 एक और जीरो, 3 × 3 = 9 फिर 1/3 यानी कि 0.33 इस तरह से 223.33। ये कौन सा ऑप्शन है, या 670/3 ही दे दिया है, मतलब यही आपका आंसर में दे दिया है, ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 नंबर, क्वेश्चन नंबर देखिए 51 नंबर। एक परीक्षा में दुर्वा को 70% अंक मिले, एक अन्य परीक्षा में उसने 25 में से 20 अंक प्राप्त किए, यदि उसका कुल प्राप्त अंक 78% है तो पहली परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे। तो देखिए ध्यान से आपको समझना है कि पहला जो परीक्षा है उसमें उसने 70% अंक प्राप्त किए, पहला जो परीक्षा है उसमें उसने 70% अंक प्राप्त किए, दूसरा जो परीक्षा है उसमें क्वेश्चंस में बोला है कि 25 में से 20 अंक प्राप्त किए, यहां लिख देते हैं 25 में से 20 अंक प्राप्त किए, ये क्वेश्चंस में बोला है, तो ये परसेंटेज में कितना है, तो 25 में से 20 अंक प्राप्त किए तो 20/25 गुना 100 करेंगे, मतलब ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 25 × 100 = 20 × 80% अंक प्राप्त किए, इस तरह से बोल सकते हैं। यहां पर हम क्या करते हैं कि इसको हम एलिगेशन प्रोसेस से बना देते हैं, तुरंत बन जाएगा। देखिए यहां पर दो परीक्षा है, पहला परीक्षा और दूसरा परीक्षा, तो पहला परीक्षा में 70% अंक उसने प्राप्त की है, दूसरा जो परीक्षा है उसमें 80% अंक प्राप्त की है, और दूसरा परीक्षा क्वेश्चंस में दे दिया है कि 25 नंबर का आपका पूरा एग्जाम था और जिसमें से उसने 20 नंबर लाया है, मतलब 80% लाया है। क्वेश्चंस में देखिए क्या बोला है कि एक परीक्षा में दुर्वा को 70% अंक मिले, पहला जो परीक्षा उसमें 70% अंक मिला है, एक अन्य परीक्षा में उसने 25 में से 20 अंक लाया, मतलब दूसरा जो परीक्षा है उसमें 25 में से 20 अंक लाया है, मतलब 80% अंक लाया है, 25 नंबर का एग्जाम था। फिर बोला है आगे क्वेश्चंस में, यदि उसका कुल प्राप्तांक 78% है, मतलब ओवरऑल यानी कि कितना 78% है, तो कुल को हम बीच में लिखते हैं, यहां पर ये आपका कुल है, कुल 78% है, तो पहली परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे, मतलब पहली परीक्षा का पूर्णांक क्या था, यहां पर ये आपसे पूछा है कि पहली परीक्षा का पूर्णांक क्या था, मतलब पहली परीक्षा में अधिकतम अंक कितना था, पहली परीक्षा का पूर्णांक कितना था जिसमें से उसने 70% अंक लाया। जैसे यहां देख रहे हैं ना कि दूसरा जो परीक्षा है उसका पूर्णांक 25 है जिसमें से 20 अंक लाया है, मतलब 80% लाया है। तो देखिए यहां पर हम एलिगेशन प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, 70% 78% का डिफरेंस 8% का हुआ ना, और 80% और 78% का डिफरेंस 2% का हुआ, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 1 × 2 और 4 × 8 यानी कि 1:4 हो गया। अब देखिए ये 4 का वैल्यू कितना 25 है, तो 1 का वैल्यू क्या होगा इस तरह से आपको निकालना है, तो इस तरह से कर देते हैं। देखिए 4 का वैल्यू 25, तो 1 का वैल्यू पूछा है क्या होगा, तो 25/4 यानी कि 6 × 1/4 या 6.25, कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 51 का देखते हैं, ये ऑप्शन नंबर दिया है बी में, तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर, क्वेश्चन नंबर देखिए 52। एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त हुए थे, प्रतिशत के रूप में यह 75% थे, यदि प्रश्न पत्र में एक अंक का एक और प्रश्न जोड़ दिया गया होता और वह इसका उत्तर सही देता तो उसके प्राप्तांक का प्रतिशत
76% हो जाता। परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक कितने थे, मतलब परीक्षा का आरंभिक शुरुआत में यानी कि परीक्षा का जो पूर्णांक था वो क्या था, ये आपसे फाइनल क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए यहां पर हम इस तरह से लिख देते हैं कि परीक्षा का पूर्णांक, मान लेते हैं परीक्षा का पूर्णांक कितना था, परीक्षा का पूर्णांक यहां पर x था, x का वैल्यू आपसे पूछा है क्या होगा, और उसने x नंबर में से कितना प्राप्त किया, तो यहां पर लिख देते हैं कि y नंबर उसने प्राप्त किया। x नंबर का एग्जाम था जिसमें से उसने y नंबर प्राप्त किया है, तो क्वेश्चन में दिया है कि ये कितना है, तो ये 75% है। यानी कि कैसे इसको लिखेंगे, देखिए x नंबर का टोटल एग्जाम था, यहां लिख देते हैं x नंबर का टोटल एग्जाम था जिसमें से उसने y नंबर प्राप्त किया है, मतलब ये कितना है, तो 75% है। 75% कहने का मतलब 75/100 इस तरह से हम लिख सकते हैं, 25 × 75, 25 × 100 हम बोल सकते हैं कि ये क्या हो गया, y और x का रेशियो 3:4 हो गया। दैट मीन्स जैसे चाहे आप लिख सकते हैं कि 3x बराबर कितना 4y हो गया, 3x बराबर 4y हो गया, इक्वेशन फर्स्ट इसको लिख दीजिए। फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि प्रश्न पत्र में एक अंक का एक और प्रश्न जोड़ दिया गया होता और वह इसका उत्तर सही देता तो उसके प्राप्तांक का प्रतिशत 76% होता। मतलब अब एक अंक और उसका जुड़ जाता और वह सही, यानी कि जो प्रश्न पत्र होता वो एक क्वेश्चन और उसमें ऐड होता और वो सही कर देता, तो एक अंक उसको और जुड़ जाएगा, एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा हो जाएगा। मतलब यहां पर दोनों में एक जोड़ना होगा, यानी y प्लस एक और x प्लस एक, तो ये 76% यानी कि 76/100 हो गया, यानी कि ये कैंसिल करेंगे 19 × 76, 25 × 100, तो अब ये कितना हो जाएगा, 25y + 25 = 19x + 19। अब इसके बाद देखिए यहां पर क्या करेंगे कि ये आपका 3x = 4y है, तो यहां पर इस तरह से कर देते हैं 3x - 4y = 0, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान रहे हैं। और यहां भी उसी तरह से कर देंगे, देखिए ये आपका 19x है, +25y इधर आएगा तो -25y हो जाएगा, इधर पहले से प्लस में 25 है और +19 इधर आएगा तो -19, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 19x - 25y = ये कितना है, 25 में से 19 घटाइए तो 6 बचेगा ना, यानी कि इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब ये दोनों को सोल्व कर दीजिए, तो यहां पर क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं y को बराबर कर देते हैं, y के कोफिशियंट को बराबर करते हैं, और यहां भी y का कोफिशियंट माइनस में, यहां भी y का कोफिशियंट माइनस में है, y का गुणांक माइनस में है, यानी कि समान चिन्ह है, तो यहां पर घटाने पर कैंसिल होगा। तो क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन वन में हमें क्या करना होगा, माइनस यहां पर देखिए -25 है, यानी कि यहां पर इक्वेशन टू में आप देख सकते हैं कि 25 है, y का गुणांक -25 है, मतलब इक्वेशन वन में हमें 25 से गुना करना होगा, और इक्वेशन टू में कितना से गुना करना होगा, तो ध्यान से देखिए यहां पर इक्वेशन टू में कितना से गुना करना होगा, तो इक्वेशन वन में देखिए y का गुणांक कितना है 4, मतलब यहां पर 4 से गुना करना होगा, फिर इसको घटा देंगे, यानी कि इक्वेशन वन में 25 से गुना कीजिए, इसमें 25 से गुना कीजिए, तो 25 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 × 75x और 25 × 100y, 25 × 0 = 0, और इसमें इक्वेशन टू में 4 से गुना करेंगे ना, तो 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 19 × 76x, और यहां 4 से करेंगे तो 25 × 100y, और यहां 4 से करेंगे 6 × 24 होगा, फिर क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, यहां प्लस है ना तो माइनस हो जाएगा, यहां माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहां पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये -100y + 100y कैंसिल हो जाएगा, 75x - 76x तो -6, 0 - 24 तो -24, यानी कि x का मान कितना हो गया 24, x का मान हो गया 24, तो यही तो पूछा था x का मान, तो 24 हो जाएगा, पूर्णांक 24 नंबर का था, कौन सा ऑप्शन है, 24 ऑप्शन नंबर ए में दिया, तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए, 53 नंबर, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 38% है, यदि अधिकतम अंक 750 है तो किसी विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है। तो परीक्षा का अधिकतम अंक 750 है, यानी कि 750 नंबर का आपका उस परीक्षा का पूर्णांक हो गया, और परीक्षा का उत्तीर्णांक मतलब 38% अंक है, यानी कि 38% अंक आप ला दीजिएगा तो परीक्षा पास कर जाइएगा, यानी कि
750 आपका पूर्णांक है और 38% अंक आपको लाना है, तो 750 का 38% निकालना है, वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर 750 का 38% निकाल देते हैं, देखिए क्या होगा। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे पहले से, 750 गुना 38/100, यहाँ 10 से 10 कैंसिल होगा, 2 × 5 = 10 और 15 × 5 = 75, फिर ये 19 × 2 = 38, 15 × 19 करेंगे तो 15 × 9 = 35 से 135 का हम 5 लिखेंगे और बाकी 13, 15 कम 15 और बाकी 13, 15 और 13 कितना होगा तो 28, यानी कि 285 अंक लाना अनिवार्य है, मतलब 285 अंक लाइएगा तो 38% हो जाएगा, मतलब आप पास हो जाइएगा। तो 285 कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 54, कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई, 96% छात्र पास हुए और 50 असफल रहे, कितने छात्र उपस्थित हुए थे। तो मान लेते हैं कि कुल 100% छात्र उपस्थित हुआ था जिसमें से 96% पास हुआ, मतलब यहां पर लिख देते हैं कि पास कहने का मतलब सफल, सफल कितना परसेंट हुआ तो 96% पास हो गया, तो फेल कितना हुआ, फेल कहने का मतलब असफल, तो कितना हुआ फेल, तो 100% में से आप 96% घटा दीजिए, यानी कि 4% फेल है यानी कि असफल है। क्वेश्चंस में दिया है कि 50 असफल रहे, यानी कि ये 4% का वैल्यू कितना है 50, तो 1% का वैल्यू कितना होगा 50/4। आपसे क्या पूछा है, कितने छात्र उपस्थित हुए थे, यानी कि 100% का वैल्यू पूछा है कि क्या होगा, तो 1% का वैल्यू 50/4, तो 100% का वैल्यू निकाल देंगे कितना होगा 50/4 × 100, तो 25 × 100, 25 × 50 करेंगे तो 25 × 25 = 2500 से, और ये 0 यानी कि 1250। कौन सा ऑप्शन है, 1250 डी नंबर ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए, 55 नंबर, दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए जिसके अधिकतम अंक 450 थे, उसने कितना अंक प्राप्त किए। तो देखिए 450 अंक परीक्षा का अधिकतम अंक था, मतलब परीक्षा का पूर्णांक 450 नंबर का था, उसने 58% अंक प्राप्त किए, तो कितना अंक उसने प्राप्त किया, तो 450 का 58% निकाल देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 450 का 58% हम निकाल देते हैं, तो क्या करना है आपको, 450 × 58/100, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 5 = 10, 9 × 5 = 45, 29 × 2 = 58, 29 × 9 = 261, 261 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 261, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 56 नंबर, 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं, यदि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती है तो ऐसी कितनी लड़कियां हैं, मतलब ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले बोला है कि 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं, देखिए कुल कितना है, कुल 60 छात्र है, जिसमें से क्वेश्चन में दिया है कि 60% छात्र लड़के हैं, 60% है जो लड़के हैं, 60% लड़के हैं, तो कुल अपने आप में 100% होता है, कुल जो होता है ये 100% होता है, सभी लोग जानते हैं, तो 100% में से 60% लड़का है, तो शेष यानी कि 40% लड़की होगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो 60 का 40% निकाल देते हैं, 60 का 40% कहने का मतलब कितना, 24 हुआ, तो हम बोलेंगे कि 60 छात्र में से 24 लड़की है, 24 छात्र है जो लड़की है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती है, तो यहां लिख देते हैं कि 25% साइकिल से जाती है, इस तरह से लिख देते हैं, 25% साइकिल यूज करती है, मतलब साइकिल का प्रयोग करती है, इस तरह से लिख देते हैं, साइकिल से जाती है, यही लिख देते हैं, साइकिल से
जाती है, मतलब 25% जो लड़कियां हैं वो साइकिल से जाती है, तो हम बोल सकते हैं कुल 100% में से 25% साइकिल से जाती है, तो 75% साइकिल से नहीं जाती है, 75% लड़कियां साइकिल से नहीं जाएगी, इस तरह से हम ये बोल सकते हैं मन ही मन। 25% लड़कियां साइकिल से जाती है तो 75% लड़कियां साइकिल से नहीं जाती है, यही तो आपसे पूछा था कि कितनी लड़कियां साइकिल से नहीं जाती है, तो टोटल 24 लड़की है तो 24 का 75% निकाल देंगे, तो 75% का मतलब 3/4 होता है ना, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 24 × 75/100, तो 25 × 75, 25 × 100, 4 × 24, 6 × 18, 18 लड़की है, 24 लड़की टोटल में से 18 लड़की साइकिल से नहीं जाती है, तो 18 कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर सी में दिया 18, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 नंबर, क्वेश्चन नंबर देखिए 57 नंबर, एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए, यदि प्रत्येक विषय अंक 100 है, मतलब प्रत्येक विषय 100 नंबर का है, तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, तो देखिए उसने कितना अंक प्राप्त किया है 6 विषय में, तो 6 विषयों में उसने 470 अंक प्राप्त किया है, तो इसको हम ऊपर लिखेंगे, और कुल 6 विषय का मतलब कुल 6 विषय का पूर्णांकों का योगफल कितना होगा, तो एक विषय 100 नंबर का है तो 6 विषय 6 × 100 यानी कि 600 नंबर का होगा कुल पूर्णांक, और भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो सबसे गुना करना होगा, मतलब 470 नंबर 600 में से लाया है तो वो कितना परसेंट है, तो इस तरह से कैलकुलेट कीजिए, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, फिर यहां पर ये कैंसिल करेंगे तो यहां पर भाग दे दीजिए या कैंसिल भी कर सकते हैं, 3 × 6 और इसको कैंसिल करेंगे तो 235 × 470 हो जाएगा, अब यहां पर भाग लगाते हैं तो 3 × 7 = 21, फिर 2 और 5 यानी कि 25 में 3 से भाग देंगे तो 3 × 8 = 24, और फिर 1/3 यानी कि 0.33, इस तरह से 78.33% कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ हमने लिखा भी था, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23 टू क्वेश्चन नंबर 58, तो ये आपका पूरा होने जा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये वीडियो भी है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, क्वेश्चन किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% के बराबर था, परीक्षा कितने अंकों की थी, तो परीक्षा अपने आप में 100% यानी कि 100% अंकों की होती है, सभी लोग जानते होंगे परीक्षा अपने आप में 100% अंकों की यानी कि 100% अंकों की होती है, ये जानते होंगे आप, तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि 54 अंक प्राप्त किया है जो 72% अंक के बराबर है, यानी कि 72% है जो कितना अंक के बराबर है, 54 अंक के बराबर है, तो 1% होगा जो 54/72 के बराबर होगा, और पूर्णांक कहने का मतलब 100% का वैल्यू आपको निकालना है, तो क्या होगा 54/72 × 100, अब इसको सोल्व कीजिए, 18 × 54, 18 × 72, 25 × 100, तो 25 × 75 यानी कि 75 नंबर का पूर्णांक था, तो 75 में से उसने 54 अंक प्राप्त किया है जो 72% हुआ है, तो ये 75 नंबर का आपका एग्जाम था, तो 75 कौन सा ऑप्शन दिया है, देखिए ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 75, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 58 आपका कंप्लीट हुआ, तो इस तरह से यहाँ पर ये आपका टाइप 2 है जो परीक्षा तथा छात्रों पर आधारित प्रश्न आपका समाप्त हुआ, टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट किए थे और लास्ट क्वेश्चन आपका टाइप 2 का 58 था, तो इस तरह से टाइप 2 हमने कंप्लीट कर दिया, ये 1.5 घंटा से ऊपर का वीडियो हो गया होगा आप देख सकते हैं, तो इस तरह से ये बहुत ही लेंथी वीडियो है, लॉन्ग वीडियो है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप देख पाएंगे कि नए नए वेराइटी का है, तो इसको हमने बहुत ही डीपली से बारीकी से समझाया है, हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन दिया है, और जहां हो सके हमने उसका शॉर्टकट अप्रोच भी बताया है कि कैसे जल्दी से सॉल्व करते हैं, और डिटेल अप्रोच भी आपको आना चाहिए, कुछ क्वेश्चन में आपको मानकर ही बनाना होता है या बाई ऑप्शन से भी चल सकते हैं, उससे अच्छा है कि हम कुछ मानकर भी बना ले तो भी जल्दी बन जाती है, तो आप देख पाएंगे कि 1-2 क्वेश्चन में हमने कुछ मानकर ही बनाया है। अब नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे जो आपका टाइप 3 का होगा, वो भी एक ही वीडियो में कंप्लीट होगा, उसमें भी बहुत क्वेश्चन है, इसमें देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 से क्वेश्चन नंबर 58 तक किए हैं, बहुत सारे इसमें भी क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए। बुक का नाम हमने लिख दिया है आरआरबी 2024 यूथ मैथ्स कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इस तरह से आप उसमें जाइएगा तो पहला चैप्टर नंबर सिस्टम हमने कंप्लीट कर दिया है, दूसरा चैप्टर जो है डेसिमल फ्रैक्शंस उसको भी कंप्लीट कर दिया है, तीसरा चैप्टर सर्च एंड निर्विशेष घातांक और करने भी पूरा कर दिया है, और चौथा चैप्टर सिंप्लीफिकेशन भी पूरा कर दिया है, पांचवा चैप्टर एलसीएम एंड एचसीएल भी पूरा कर दिया है, और ये अब चल रहा है आपका परसेंटेज। तो परसेंटेज का भी टाइप 1 हम करा दिए हैं, टाइप 2 भी आज समाप्त हो चुका है, अब टाइप 3 का वीडियो बहुत जल्दी ही आने वाला है।